हेलो एवरीवन, क्या हाल है? आई होप मैं दिखाई दे रहा होऊंगा। गुड मॉर्निंग। सब सो रहे हैं इस टाइम सुबह सुबह? सबको जगाओ और को पढ़ने आना है, पढ़ाई शुरू करें। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर, और ये करंट अफेयर आवाज़ एकदम क्लियर आ रही है। आप मुझे कमेंट करें, आवाज़ क्लियर आ रही है? यस, विजिबल एंड ऑडिबल। ऑडिबल ठीक है। ये कुछ तो प्रॉब्लम कर रहा है, मुझे नहीं पता क्या, लेकिन कुछ तो दिक्कत कर रहा है। बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे, हम इसको नए तरीकों से खोलेंगे। कई सारे तरीके हैं, उनका प्रयोग करेंगे। तो कल हम लोगों ने अपना करंट अफेयर स्टार्ट किया था, तो इस करंट अफेयर में हम लोगों ने काफ़ी हद तक लगभग 30% तक पढ़ लिया था, लेकिन नेट चला गया तो मैं उसके आगे कंटिन्यू कर नहीं पाया। तो उसके आगे अब मैं कंटिन्यू करूँगा आज से। तब तक आप लोग अपने लोगों को और को भेज दीजिए लिंक, ताकि वो लोग भी आगे की तरफ आ पाएँ पढ़ने के लिए। मैं तब तक इसमें कोशिश कर रहा हूँ कि ये अगर आराम से चल जाए तो बहुत आराम है, और अगर नहीं चलेगा तो फिर डाउनलोड कर रहा हूँ, डाउनलोड करके इसको ओपन करूँगा। टिल देन कोई क्वेरी है आप लोगों की तो आप लोग पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करता हूँ। यूपीएससी की प्रिपरेशन में करंट अफेयर का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। उसका कारण है कि करंट अफेयर से ही आजकल यूपीएससी पेपर की बना रहा होता है, करंट अफेयर के थ्रू ही जाएगा वो हमेशा। जो मुद्दा लाइमलाइट में है, फॉर एग्जांपल अगर हाल ही में पॉलिटी में अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट लाइमलाइट में रहा, तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से ही क्वेश्चन बनाएगा, उसी चैप्टर पे जाएगा, वहाँ से बेसिक उठाएगा, ये करंट से जोड़ेगा और क्वेश्चन पूछ देगा। इसलिए मैं हर बार कहता हूँ कि आपके लिए करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। करंट अफेयर पे बहुत फोकस्ड रहिए, ध्यान देकर उसको पढ़िए। कई चीज़ें आप लिंक नहीं करेंगे तो आपके लिए दिक्कत रहेगी, और लिंक कर लेंगे तो दिक्कत नहीं रहेगी। जैसे ये लिंक नहीं कर पा रहा है खुद को, तो ये दिक्कत में है। अगर ये लिंक कर ले तो ये भी दिक्कत में ना रहे। तब तक आप मुझे आंसर कर सकते हैं कि युद्धाभ्यास, इसका नाम था डेजर्ट फ्लैग, ये डेजर्ट फ्लैग किसके बीच में था? यूएई और भारत, मतलब भारत पहली बार, भारत की एयरफोर्स डेजर्ट फ्लैग में शामिल हुई जाके, तो ये डेजर्ट फ्लैग एक्सरसाइज कहाँ पर हो रही है कंडक्ट, ये आपको बताना है। ये डेजर्ट फ्लैग एक्सरसाइज कंडक्ट कहाँ पे हो रही है? तो ये अपलोड धीमे धीमे कर रहा है, डाउनलोड कर रहा है, तो आपको बताना है कि डेजर्ट फ्लैग एक्सरसाइज कहाँ पर हो रही है। आराधना सिंह जी, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए अगर आप अभी फ्रेशर हो तो अभी आप मेरे ख्याल से जो प्रैक्टिस सेट है वो खुद लगाइए, और अगर आप रिपीटर हो तो आपको ज्वाइन करनी चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा है। अजय कुमार जी, यूएई प्लस इंडिया नहीं है, इंडिया ने पहली बार वहाँ पे जाके पार्टिसिपेशन किया है, कई सारी कंट्री हैं उसमें एक इंडिया भी है। हाँ, ये डेजर्ट फ्लैग यूएई में हो रही है जहाँ पर जाके इंडिया ने पार्टिसिपेशन किया है। उसके अलावा आप मुझे अगला क्वेश्चन बताओ, तब तक मैं कोशिश कर रहा हूँ सही हो जाए। अगला क्वेश्चन बताइए कि ये अजंता की गुफाओं में, जो मैंने आपसे पूछा था कि अजंता केव में, ये अजंता की केव्स किसको डेडिकेटेड की गई हैं? मैं ऑप्शन देता हूँ। ए ऑप्शन बुद्ध के, सारे के सारे बुद्ध रिलीजन की बातें करते हैं। बी ऑप्शन ये जैन रिलीजन की बातें करते हैं। सी ऑप्शन बुद्ध, जैन और हिंदू की गुफाएं हैं इसमें, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि अजंता की गुफाओं का संबंध रिलीजन, मतलब किससे संबंधित है ये अजंता की गुफाएं, ये आपको आंसर करना है। किससे रिलेटेड है ये अजंता की गुफाएं? सिर्फ बुद्ध से हैं? आकांक्षा जायसवाल, लगभग 7 या 8 महीने का करंट अफेयर तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा पीछे का। अजंता की गुफाएं मैं पूछ रहा हूँ, मैं एलोरा की नहीं पूछ रहा हूँ। जो लोग जैन धर्म बोल रहे हैं वो कल उन्होंने सुना नहीं है इसका मतलब। जैन धर्म तब बोलिए जब आपने उसको सुना हो अच्छे से, आपने सुना नहीं तो आप जैन धर्म आंसर करेंगे। अजंता की गुफाओं मैंने आपसे बोला था 29 गुफाएं हैं जो कि बुद्ध धर्म से रिलेटेड हैं,
जहाँ पर जातक कथाओं की बातें करी गई हैं। जातक कथाएं मतलब बुद्ध की जन्म की जो स्टोरी है उनको केप में चित्रित किया गया है। अगला बताइए कि ये एलिफेंटा केप कहाँ पर है। एलिफेंटा केव ये कहां पर है, ये आपको आंसर करना है कि एलिफेंटा केव कहां पर है। एलिफेंटा केव कहां पर है ये आपको आंसर करना है। तो ये धोखे पहली बार होते हैं जीवन में, उनमें से एक धोखा आज ये है जो पहली बार हो रहा है लगातार, ये अपने आप में आने की कोशिश नहीं कर रहा है। तब तक मेरा ये डाउनलोड हो जा रहा है तो मैं इसको डाउनलोड में ओपन करूंगा फिर। एलिफेंटा केव कहां पर है, मुंबई। ठीक है, नंबर थर्ड क्वेश्चन बताइए हाथी गुंफा केव कहाँ पर है। हाथी गुंफा केव कहाँ पर है। हाथी गुंफा केव कहाँ पर है, ये आपको आंसर करना है। वेयर इज हाथी गुंफा केव। तब तक आपको बताना है कि हाथी गुंफा केव कहाँ पर है। वेयर इज हाथी गुंफा केव, मधुसूदन श्रीवास्तव जी ने पहले बताया है, उसके बाद प्रखर श्रीवास्तव, विशाल त्रिपाठी, पूजा शुक्ला। वेरी गुड। हाथी गुफा केव जब बताई दिया है तो मुझे ये बता दो, कल मैंने एक राजा का नाम लिया था कि इनका संबंध हाथी गुफा केव से है, क्या आप मुझे उस राजा का नाम बता सकते हैं जिसका मैंने नाम लिया था कि इनका संबंध हाथी गुफा केव से है, तो क्या आप मुझे उसका नाम बता सकते हैं कि उसका नाम क्या था। उसका नाम मैंने आपको बताया होगा, उसका नाम मैंने आपको बताया होगा, खारवेल। मैंने जरूर बोला होगा खारवेल शासक। ये जो खारवेल शासक है, अगर आपने एंशियंट हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपने इन खारवेल शासक का नाम जरूर पढ़ा होगा। ये जो खारवेल हैं, इन खारवेल का संबंध चेदी, चेदी वंश से संबंधित है। ये चेदी कह लीजिए, या फिर इन्हें हम लोग कहते हैं महामेघ वाहन वंश, महामेघ वाहन। इससे रिलेटेड ये खारवेल शासक से संबंधित इस इंस्क्रिप्शन का नाम है हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन। ठीक, अजंता पूरी की पूरी तरीके से बुद्ध से रिलेटेड है, एलोरा बुद्ध जैन और हिंदू धर्म से रिलेटेड है, एलिफेंटा केव मुंबई मैंने आपको बताया, और हाथी गुम्फा केव मैंने आपको बताया जैन धर्म से रिलेटेड, खारवेल शासक के द्वारा ये इंस्क्राइब कराया हुआ इंस्क्रिप्शन है, जिसमें मैंने आपसे एक बात और की होगी कि इस हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि कलिंग में, कलिंग के मतलब एक राजा महापद्मनंद जो नंद वंश का था, ये कलिंग पहुंचा और वहां से वो जिनसेन की प्रतिमा उठा के ले गया। ठीक, तो महापद्मानंद के बारे में मैंने आपको पहले बता भी रखा होगा कि महापद्मानंद को कई सारी उपाधियों से जाना जाता है। ये महापद्मानंद को हम लोग सर्वक्षेत्रांतक कहते हैं, महापद्मानंद को हम लोग द्वितीय परशुराम कहते हैं या अपरो परशुराम कहते हैं, इसे शूद्रोध गर्वोध भव भी कहते हैं, इसे इकराट भी कहते हैं। ठीक, ये प्रश्न बहुत बार आया हुआ है इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ एंशियंट हिस्ट्री में महापद्मानंद को किन नामों से पुकारा गया, ये पूछा जाता है। ये क्वेश्चन हमने अभी कर लिया कि 3 से 27 मार्च 2021 के मध्य में किस देश की मेजबानी में आयोजित युद्धाभ्यास डेजर्ट फ्लैग में भारतीय वायुसेना ने पहली बार भाग लिया, तो इसका आंसर था यूएई। ठीक है, यूएई अल दफरा, इस एयरबेस पे जाके भारतीय वायुसेना ने पार्टिसिपेट किया, तो आपको ये पता होना चाहिए। ये करंट अफेयर हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने कंबाइंड, मतलब कुछ चीज़ें हिंदी में और कुछ चीज़ें इंग्लिश में हैं ताकि दोनों ही भाषा में कंप्लीट होता चला जाए, इसलिए करंट अफेयर में लोड नहीं लेना कि यार ये टर्म इन्होंने हिंदी में बोल दिया पता नहीं लगेगा, बहुत आसान सी चीज़ें हैं। करंट अफेयर 2 ये हम रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि कल लेंट बंद हो गया, तो मैं बहुत तेज बताऊंगा। मैंने आपको परसिवेरेंस रोबोट के बारे में बताया था और मैंने आपसे बोला था अगर आपसे पूछे कि परसिवेरेंस रोबोट का संबंध या रोवर का संबंध किस प्लेनेट से है तो आप बताएंगे मार्स से है। इसके बाद मैंने आपसे बोला था कि नाम आपको याद रखना है स्वाति मोहन, जो कि इस परसिवेरेंस रोवर को लैंड कराने वाली टीम को लीड कर रही थी, इनका नाम है स्वाति मोहन, इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट। इसके बाद मैंने आपको बताया था मैत्री सेतु, तो मैंने आपसे बोला था कि फेनी नदी पर बना हुआ ये मैत्री सेतु है जो भारत के सबरूम को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ता है, 1.9 किलोमीटर लंबा यह ब्रिज ध्यान रखना फेनी नदी पर बना है, इसका नाम है मैत्री सेतु। फेनी नदी कहाँ से निकलती है, तो त्रिपुरा के दक्षिणी भाग से निकलती हुई ये बांग्लादेश बहती हुई फाइनली बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ये मैंने आपको बता दिया, कल ही बता रखा है।
इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि विश्व की सबसे ओल्डेस्ट केव आर्ट, विश्व की सबसे ओल्डेस्ट केव आर्ट कहाँ पर मिली। तो मैंने आपको इंडोनेशिया का डायग्राम भी दिखाया हुआ था कि देखो ये सारे द्वीप यहाँ इंडोनेशिया के अंतर्गत आते हैं। तो इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर ये विश्व की सबसे पुरानी केव आर्ट मिली है, जो कि आपको पीछे वाइल्ड पिग दिख रहा होगा, जंगली सुअर दिख रहा होगा। इसे कहा जा रहा है ये 44-45 हज़ार 500 साल पुरानी केव आर्ट है। तो जब मैंने आपको ये बताया, तो मैंने आपको यही बताया कि भारत में भी कुछ गुफाएं केव्स हैं विद पेंटिंग, जिनमें पेंटिंग बनी हुई है। उन गुफाओं के अंतर्गत अजंता, एलोरा, एलिफेंटा और भीमबेटका। अजंता मैंने आपको बताया औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, एलोरा भी औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। अजंता की विशेषता ये कि यहाँ पर 29 केवें हैं और इस 29 केवों में 29 की 29 जातक कथाओं पर आधारित पेंटिंग है। यहाँ पर बुद्ध की बातें करी गई, जबकि एलोरा में हिंदू, जैन और बुद्ध तीनों ही धर्म की गुफाएं आपको मिलेंगी। यहाँ पर एक फेमस कैलाश टेम्पल है, जिसको राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा बनाया गया। इसके बाद एलिफेंटा कैव मुंबई में लोकेटेड है, इसको ध्यान रखना। साथ में भीमबेटका होशंगाबाद और भोपाल के मध्य में सिचुएटेड है। ये विश्व की पुरानी गुफाओं में से एक पुरानी गुफा ये भी है। आपका होमवर्क है, और बड़ी तन्मयता के साथ और बहुत सीरियसनेस के साथ इस होमवर्क को कंप्लीट किया जाए। आपको नेट पे डाल के देखना है, जो कि यूपीपीसीएस 2020 के प्री का क्वेश्चन है, कि ये भीमबेटका की गुफाओं को खोजा किसने, किसने इसको खोजा, भीमबेटका की गुफाओं को खोजा किसने, उसका नाम आपको जरूर ढूंढना है। फिर मैंने ये आपको डायग्राम दिखाया, जिसमें ये बताया कि अजंता में 29 गुफाएं हैं, एलोरा में 34 गुफाओं में से 17 ब्राह्मण की हैं, 12 बौद्ध की हैं, 5 जैन की हैं। इसका मतलब ये शो करना चाहता है कि एलोरा में हिंदू, जैन और बुद्ध तीनों ही तरह की गुफाएं हैं। अजंता में मैंने आपको बताया 29 गुफाएं हैं, जो कि पूरी की पूरी बुद्ध के लिए हैं। फिर यहाँ पर एक टर्म लिखा था चैत्य, तो मैंने आपसे बोला कि बुद्ध के जब भी आर्किटेक्चर की बात होती है बौद्ध धर्म में, तो हम लोग चैत्य विहार और स्तूप के बारे में पढ़ते हैं। चैत्य जहाँ पर टेम्पल को डिनोट करता है, विहार जहाँ पर होम कह दो आप उसको, आवास को डिनोट करता है, स्तूप बुद्ध के महापरिनिर्वाण को डोनेट करता है। महापरिनिर्वाण को डोनेट करता है। बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ घटनाओं का कुछ ना कुछ सिंबल है, उनकी कुछ इंसिडेंट उनका कुछ सिंबल है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे याद रखना कि अगर आपसे पूछा जाए कि बुद्ध के जन्म का सिंबल क्या है, तो आपको याद रखना है कि बुद्ध का जब जन्म हुआ, उससे पहले उनकी माँ को एक स्वप्न आया, जिसमें एक सफेद हाथी उनके गर्भ में चला गया, उसकी सूंड में कमल का फूल फूल था। फाइनली जब उनकी आंख खुली, तो पंडितों के द्वारा उसका वर्णन किया गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए बुद्ध के बर्थ का सिंबल क्या है, उसके जन्म का सिंबल क्या है, तो आप बोलेंगे कमल का फूल, लोटस वो है जो उसके बर्थ का सिंबल है। ठीक। इसके बाद जब बुद्ध पैदा हुए, तो बुद्ध के पैदा होने के उपरांत बुद्ध घर छोड़कर भाग गए, और घर छोड़ के भागे तो एक घोड़े पर बैठ के, जिसका नाम कंठक या कंथक था, उस पर बैठ के घर छोड़ दिया। इस घटना को नाम दिया गया महाभिमिष्क्रमण, महाभिमिष या महाभिनिस जो अच्छा लगे आपको, महाभिनिष्क्रमण या महाभिमिष्क्रमण, क्योंकि घोड़े पे बैठ के भागे इसलिए वो सिंबल बन गया घोड़ा। ठीक। फिर पहुंचे तो पीपल के वृक्ष के नीचे संबोधि, एनलाइटनमेंट की प्राप्ति हो गई, इसलिए इनको बुद्ध कहा जाने लगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए इस संबोधि या फिर एनलाइटनमेंट क्या इंसिडेंट का सिंबल क्या है, तो जिस पेड़ के नीचे बैठे पीपल के वृक्ष के नीचे, उसे बोधि ट्री कहा जाने लगा, क्योंकि बुद्ध को बुद्धि की प्राप्ति हुई, क्योंकि बुद्ध को समबोधि की प्राप्ति हुई, क्योंकि बुद्ध को एनलाइटनमेंट मिला उस पेड़ के नीचे बैठ के, इसलिए उस वृक्ष का नाम रखा गया बोधि वृक्ष। यहाँ पर एक प्रश्न हमेशा टीचर पढ़ा रहा, फैकल्टी पढ़ा रही होती है आपको, वो ये कि शशांक, जो कि एक गौण शासक था, शशांक नाम के गौण शासक के द्वारा इस वृक्ष को जलाने का प्रयास किया गया। जब आप थोड़ा पीछे आएंगे, तो आपको पता लगेगा कि अशोक की एक पत्नी, जिसका नाम था तिस्य रक्षा, तिस्य रक्षा, इसके द्वारा भी इस बोधि ट्री को काटने का प्रयास किया गया। ठीक। ये प्रश्न जनरली पूछे जाते हैं, इसलिए परेशान करते हैं। आगे देख रहे हैं हम लोग अगला करंट अफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ बिहार, मतलब बिहार सरकार के द्वारा पहली बार कलरव नाम का एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कराया गया। इस कलरव नाम के फेस्टिवल को, क्योंकि पहली बार बिहार में इस तरह का फेस्टिवल हुआ, जिसे बर्ड फेस्टिवल कहा गया। बर्ड फेस्टिवल पक्षियों के लिए त्यौहार मनाया गया, पक्षियों के लिए कलरव नाम से फेस्टिवल मनाया गया। इसलिए आपसे पूछ सकता है, बताइए अभी हाल में किस राज्य में कलरव नाम से फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कराया गया, तो बिहार में कराया गया। कौन सी सेंचुरी, कौन सी बर्ड सेंचुरी में कराया गया, इसका नाम है नगी नकटी। हो सकता है आपसे पूछ ले कि ये नगी नकटी बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है बिहार में स्टेब्लिश है नगी नकटी बर्ड सेंचुरी। ठीक। आगे चल रहे हैं, रक्षिता एम्बुलेंस के बारे में आपको जानना है।
ये डीआरडीओ जिसे हम लोग कहते हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, 1958 में बनी ये संस्था। इस डीआरडीओ के द्वारा सीआरपीएफ के जवानों के लिए एक मोटर बाइक बेस्ड एम्बुलेंस बनाई गई। पीछे आपको एक बाइक दिखाई दे रही होगी जिसमें सिंगल सीट भी ऊपर ये बंधी हुई है, ये पोर्टेबल सीट है, इसको हटा सकते हो उठा के। ये बाइक के ऊपर बेस्ड एम्बुलेंस है जो कि भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में जाने में आसानी रहे इसलिए बनाई गई। तो डीआरडीओ के द्वारा किसके लिए? सीआरपीएफ के लिए। कौन सा इंस्टीट्यूट है डीआरडीओ का? तो डीआरडीओ की लेबोरेटरी का नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेस, इन मास नई दिल्ली में स्थापित डीआरडीओ की लेबोरेटरी इन मास के द्वारा इस रक्षिता एम्बुलेंस को बनाया गया सीआरपीएफ के लिए। इन मास मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेस। ठीक, इसके बाद हम लोगों ने करंट अफेयर पढ़ा अस्मि के बारे में। अस्मि यह शब्द डिनोट करता है प्राइड को, सेल्फ रिस्पेक्ट को, हार्ड वर्क को। तो इस अस्मि नाम की भारत के द्वारा बनाई हुई इंडिजीनस 9 mm मशीन पिस्टल है। मशीन पिस्टल है, इंडिजीनस इसलिए इंपॉर्टेंट है, इंडिजीनस का मतलब अपने द्वारा बनाई गई है, भारत का ही माल प्रयोग किया गया होगा। तो इंडिजीनस 9 mm मशीन पिस्टल बीन ज्वाइंटली डेवलप्ड बाई इन्फेंट्री स्कूल, इसके साथ ही आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, एआरडी और इन्फेंट्री स्कूल की संयुक्त, मतलब इन दोनों ने कॉपरेशन किया, उनके द्वारा ये फर्स्ट इंडिजिनस 9 mm मशीन पिस्टल बनाई गई जिसका नाम है अस्मि। इसकी फायरिंग रेंज 100 मीटर है और डीआरडीओ और मतलब डीआरडीओ का एक अलायंस उसके द्वारा ये बनाई गई है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा द लाइन। कल हम लोग ये पढ़ चुके हैं इसलिए मैं तेज चल रहा हूँ, कल हम लोग ये पढ़ चुके हैं इसलिए मैं तेज चल रहा हूँ, कल हम लोग ये पढ़ चुके हैं करंट अफेयर अभ्युदय की क्लास के अंतर्गत, कल हम लोग ये करंट पढ़ चुके थे, नेट चला गया था, क्लास कंप्लीट नहीं हुई, तो मैं फिर से आज पढ़ा रहा हूँ ये, तो मैं इसको तेज करा दे रहा हूँ फास्ट फॉरवर्ड की, ताकि आपको रिवीजन हो जाए और फिर आगे हम लोग बढ़ जाएं। ठीक, तो फास्ट फॉरवर्ड में चल रहे हैं हम लोग। तो अगर आपने कल क्लास नहीं ली है तो आपको बोझ लगेगा, जिन्होंने ली है उनको बोझ नहीं लगेगा, उनके लिए आराम होगा। सऊदी अरब की क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने फ्यूचर सिटी दी लाइन का अनावरण किया। सरला दीक्षित जी कह रही सर ये कल हो चुका है। अरे पता है मुझे कल हो चुका है, आज पीडीएफ देंगे क्योंकि कंप्लीट नहीं हुआ था ना, मुझे पता है हो चुका है। मैं तो रिवीजन, आप टीचर पढ़ाने के लिए तैयार हो, आप पढ़ने के लिए तैयार नहीं हो, ये बड़ी दिक्कत है। मुझे क्या, मैं तो भगा दूँ और मेरे तो काना पूरी हो जाएगी, हाँ चलो चलो चलते हैं आगे, क्या करना है, हमारा तो काम ही आगे बढ़ेंगे। तो ये सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने एक फ्यूचर सिटी जिसको बोला गया दी लाइन, इसका इनॉग्रेशन किया। एक प्रोजेक्ट ये सऊदी अरब में एक प्रोजेक्ट चला रहे हैं, इसका नाम है नियोम प्रोजेक्ट, लगभग 500 बिलियन डॉलर का ये प्रोजेक्ट है। इस नियोम प्लेट के अंतर्गत एक सिटी बनाएंगे जिसका नाम बता रहे हैं द लाइन सिटी होगी। इस सिटी की ये खासियत होगी कि यहाँ पे जीरो जीरो कार्बन इमिशन होगा, जीरो कार्बन इमिशन। जीरो कार्बन इमिशन का मतलब है कि कार्बन का उत्सर्जन होगा ही नहीं, ऐसी सिटी जहाँ पे सड़कें नहीं होंगी, गाड़ियां नहीं चलेंगी, कैसे बनाएंगे पता नहीं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये जो द लाइन सिटी है ये 100 से लेकर 200 बिलियन डॉलर तक की लागत से बनाई जाएगी। उसके बाद मैंने आपको जूको वैली बताई है, और मैंने आपको बताया कि इस जूको वैली की विशेषता है, याद रखना, नागालैंड और मणिपुर की सीमा पर, नागालैंड और मणिपुर की सीमा पर ये जूको वैली आपको दिखाई देगी। नागालैंड और मणिपुर की सीमा पे जूको वैली है, इसके बारे में याद रखो। इसे वैली ऑफ फ्लावर भी कहते हैं, पॉपुलरली नोन एज दी वैली ऑफ फ्लावर, इट इज लोकेटेड एट दी बॉर्डर ऑफ नागालैंड एंड मणिपुर। इसके साथ में याद रखो सबसे अच्छा ट्रैकिंग पास यहाँ पर जिसको हम लोग बोलते हैं जाफू माउंटेन रेंज, तो ये जाफू माउंटेन रेंज में पाई जाती है। जाफू माउंटेन रेंज में पाई जाने वाली जाफू माउंटेन रेंज एक पॉपुलर ट्रेकिंग स्पॉट है नॉर्थ ईस्ट का, या मैं कहूँ नागालैंड और मणिपुर का। इसके साथ में याद रखना कि ये जो जूको वैली है ये जाफू पीक के पास लोकेटेड है, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसका नाम है पुली वर्ड्जे वन्य जीव अभयारण्य, पुली वर्ड्जे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि नागालैंड में स्टैब्लिश है, इसके एडजेसेंट ही जूको वैली भी है। ठीक, साथ में याद रखो कि नागालैंड या फिर जूको वैली में जो लोग निवास करते हैं उनका जो हैबिटाट है उसका नाम है अंगामी पीपल। यूपीपीसीएस ने 2020 में ये पूछा हुआ प्रश्न है कि अंगामी लोग कहाँ पर, हैबिटाट कहाँ पर है उनका। ठीक, उसने मैचिंग करके बताई थी। इसके बाद हम लोगों ने हार्वेस्ट फेस्टिवल पढ़े, और हमें पता लगा कि वर्ष भर कई सारे हार्वेस्ट फेस्टिवल होते हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए। जनवरी के माह में फेस्टिवल हुए, दी हार्वेस्ट फेस्टिवल लाइक लोहड़ी, मकर संक्रांति एंड पोंगल हैव रिसेंटली बीन सेलिब्रेटेड ऑल अक्रॉस दी कंट्री। तो इनके नाम आपको जरूर पता होने चाहिए, कई बार मैचिंग में पूछता है, जैसे उत्तरायण कहाँ का ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है, गुजरात का है। इसके बाद पोंगल कहाँ का है, तमिलनाडु का है। और मैं आपसे बोल दे रहा हूँ कि आप पोंगल में केरल मार के आएंगे, तमिलनाडु आप मार के आएंगे नहीं, ये कन्फ्यूजन हमेशा जीवन भर बना रहेगा। हाँ, केरल में कौन सा है, तो उसका नाम है मकर विलक्कू। मकर विलक्कू नाम का ये फेस्टिवल केरल
या फिर मैं कह दूं मालाबार तट पे बनाया जाता है मकर विलक्कू नाम का फेस्टिवल। लोहड़ी कहाँ पर है? आप सुनते हो कि लोहड़ी है लोहड़ी है, तो ये लोहड़ी है कहाँ की? पंजाब और जम्मू कश्मीर की। इसके साथ में सायन करात, मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जाता है सायन करात कश्मीर, और खिचड़ी पर्व उत्तर प्रदेश बिहार और झारखंड। खिचड़ी पर्व सिर्फ उत्तर प्रदेश का नहीं है, खिचड़ी पर्व उत्तर प्रदेश बिहार और झारखंड का है, ध्यान रखना। हो सकता है वो कह दे यह खिचड़ी पर्व जो कि हार्वेस्ट फेस्टिवल है यह दक्षिण भारत में भी मनाया जाता है। आप मार के चले आएंगे और उसके बाद फिर रोएंगे कि अरे गड़बड़ हो गई। यूपीएससी बहुत कंसेप्चुअली खेल रहा होता है, चीजों को देख रहा होता है। इस पीडीएफ में ये जो मैं डायग्राम दिखा रहा हूँ, जैसे ये लिखा हुआ है साइन करात, ये सारी चीजें जरूर देखना। बिहू लिखा है, अब यही आप बैठ के पढ़ोगे नितिन सिंघानिया और उसमें खुश रहोगे, लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर कोई चीज मिल जाए तो आप परेशान रहते हो। इन इन डायग्राम को देखने का प्रयास किया करो कि हाँ अच्छा उत्तरायण लिखा हुआ है, मकर संक्रांति लिखा हुआ है, देखो लिखा हुआ है, अच्छा वो पोंगल लिखा हुआ है, ये देखो मकर विलक्कू लिखा हुआ है, इसको मकर संक्रांति देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। इसका मतलब मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के अलावा उड़ीसा में भी मकर संक्रांति हो रही है, ठीक। जबकि मकर संक्रामना, अगर इस नाम से पूछा जाए मकर संक्रामना कहाँ हो रहा है, तो आप बोलते हैं कर्नाटक में मकर संक्रामना है, ठीक। तो इन डायग्राम को जरूर देखो ताकि जीवन के कंफ्यूजन दूर हो जाए। राष्ट्रीय युवा दिवस, नेशनल यूथ डे के बारे में अगर पूछा जाए तो आपको याद रखना है कि नेशनल यूथ डे 2021 की जो थीम है इसका नाम है युवा उत्साह नए भारत। नए भारत का युवा उत्साह नए भारत का हर साल 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में नेशनल यूथ डे मनाया जाता है, जबकि इंटरनेशनल यूथ डे यह 12 अगस्त को मनाया जाता है। याद रखना, भूल मत जाना, इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त, नेशनल यूथ डे 12 जनवरी। इसके साथ ही जो नेशनल यूथ डे है किस मिनिस्ट्री के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जाता है, तो मिनिस्ट्री का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स, इसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जाता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा सॉलिडरिटी एंड स्टेबिलिटी डील। ये सॉलिडरिटी स्टेबिलिटी डील कहाँ पर हुई? गल्फ कॉपरेशन काउंसिल की जो कंट्रीज हैं उनके द्वारा कतर पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, क्योंकि कतर ईरान का साथ दे रहा था। यहाँ पर सिया और सुन्नी का डिस्प्यूट बहुत चलता रहता है। कतर पर से उन लगाए हुए प्रतिबंधों को हटा लिया गया। इसी प्रतिबंध को हटाने के लिए गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के लिए जो डील में जो टर्म यूज किए गए उसका नाम है सॉलिडरिटी एंड स्टेबिलिटी डील। ध्यान रखना, ये जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है ये गल्फ, पर्शियन गल्फ, गल्फ की खाड़ी के आसपास के जो देश हैं जिनमें से आप दो देश जरूर छोड़ देंगे, ईरान इराक इस गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के अंतर्गत नहीं दिखाई दे रहे होंगे आपको। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में कौन कौन से देश हैं, तो आपको दिख रहा होगा कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान और सऊदी अरेबिया। ध्यान रखना 1981 में बनी हुई ये संस्था जिसका मुख्यालय, जिसका सचिवालय, सेक्रेटेरिएट सऊदी अरेबिया के रियाद में है, ठीक। नैन्सी वर्मा ग्रुप में क्यों ऐड होना है? आप तो हैं ऐड मेरे प्रियांशु दुबे वाले में, आप तो हैं ना, इतना क्यों परेशान है? तो ध्यान रखना, फिर से बोल रहा हूँ, पर्शियन गल्फ के वाले क्षेत्र में जब भी हम लोग पहुंचते हैं तो मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ कि पर्शियन गल्फ, गल्फ की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। बाबल मंदीप मत मार देना, कई लोग कल मलक्का बता रहे थे, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। स्ट्रेट क्या होता है? स्ट्रेट क्या चीज होती है? जल मरुद या जल संधि, वह चैनल है जो दो वाटर बॉडीज को जोड़ता है। वाटर बॉडी वन को वाटर बॉडी टू से जोड़ने वाले चैनल को स्ट्रेट कहा जाता है या जल संधि कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जिब्राल्टर स्ट्रेट जो कि भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी को अटलांटिक ओशन से जोड़ता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, हॉर्मुज की जल संधि गल्फ ऑफ पर्शिया या पर्शियन गल्फ को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। बाबल मंदीप, रेड सी को इंडियन ओशन में आओगे तो रेड सी को इंडियन ओशन से जोड़ रहा होगा बाबल मंदीप। तो आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज याद रखना है, साथ में याद रखना है कि इस गल्फ कॉपरेशन काउंसिल की स्थापना 1981 में हुई और इसके अंतर्गत जो देश हैं उनको उत्तर से दक्षिण सजाना जरूर सीख लो। उत्तर से दक्षिण में सबसे उत्तर में कुवैत, उसके बाद बहरीन, उसके बाद कतर, उसके बाद यूएई, उसके बाद ओमान। उत्तर से दक्षिण लगाना सीख लो, पूछ लेगा तो परेशान हो जाओगे। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि एक ग्रांड रेनाइसे डैम है जिसको लेकर डिस्प्यूट चल रहा था इथियोपिया, सूडान और इजिप्ट में। तो हम लोगों ने यहाँ पे आगे हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत कौन से देश आते हैं, तो मैंने आपको हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सीड बता दिया था कि शॉर्ट ट्री के सीड, सीड में क्या क्या आता है? सोमालिया, सोमालिया, इथियोपिया, इरित्रिया और डिजुबती। इस सीड को ही हम लोग हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। ध्यान रखना, जब भी मैं इथियोपिया का नाम लूंगा तो आपको हमेशा मध्यकालीन भारत के अंतर्गत सल्तनत पीरियड में, सल्तनत पीरियड में जलालुद्दीन याकूत का नाम आना चाहिए, जिसे अमीर आखुर भी बनाया गया था। फिर हम लोगों ने यक्षगान पढ़ा। मैंने आपसे बताया कि यक्षगान ये फोक डांस है और ये फोक डांस कहाँ का है? ये फोक डांस कर्नाटक का फोक डांस है, जहां पर एक व्यक्ति बहुत बड़ा मुकुट लगाएगा, रंग बिरंगा पोशाक पहनेगा
और मतलब हारमोनियम का प्रयोग किया जाएगा, मंगला का प्रयोग किया जाएगा, थाप पर डांस करेगा। और जनरली ये यक्षगान का जो थीम होता है वह है महाभारत और रामायण बेस्ड जो कथाएं हैं, कहानियां हैं, उन पर बेस्ड ये यक्षगान थीम है। मतलब ये फोक डांस पे हमेशा ये नृत्य किया जाएगा। इसमें याद रखना ये प्रसिद्ध लोक नृत्य है जिसका शाब्दिक अर्थ है यक्ष के गीत, 800 वर्ष पुरानी लोक नृत्य इसको बोला जाता है। इसी साथ में याद रखो कि इस संगीत जो यहाँ पर यक्षगान में जो संगीत का प्रयोग होता है, उस संगीत की ये विशेषता है कि इसकी शैली एकदम अलग है। ना तो इसकी हिंदुस्तानी शैली है, ना इसकी भारतीय शास्त्रीय संगीत शैली है, और ना ही इसकी कर्नाटक संगीत कार्नेटिक म्यूजिक का भी ये प्रयोग नहीं करता। इसकी अलग ही शैली है। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाएगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, देखो पीछे ही आपको ये दिख रहे होंगे सजे धजे खड़े हुए हैं यक्षगान कलाकार हैं, और ये बड़ा सा मुकुट लगाए, बहुत बड़ा मुकुट लगाए हुए, देखो कितना बड़ा मुकुट लगाए हैं। पौधा इनकी 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 पोशाक नहीं दिख रही है, बहुत रंग बिरंगी पोशाक है। जिन यंत्रों का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है वो मदाला है, चांदा है, पुंगी है, हारमोनियम है, इनका प्रयोग किया जाता है। मदाला एक प्रकार की ढोलक है, रट्टा लगा लेना पूछ सकता है। साथ में याद रखो कि ये जो कथाओं का प्रयोग करते हैं अपने डांस फॉर्म में, उसमें जैसे महाभारत में द्रौपदी स्वयंवर की कथा हो गई, और इसके अलावा रामायण में लवकुश युद्ध हो गया, इन सब का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद मैंने आपको कुछ फोक डांस थिएटर फॉर्म्स बताए हैं और उनके कौन से स्टेट हैं, किस स्टेट में मिलती हैं ये बताया हुआ है। थिएटर फॉर्म में जैसे नौटंकी उत्तर प्रदेश की है, तमाशा महाराष्ट्र का है, जात्रा 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 कहाँ का है, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और ईस्टर्न बिहार। मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछ लेगा, जात्रा थिएटर फॉर्म का संबंध किन राज्यों से है, लिख देगा वन में यूपी, टू में वेस्ट बंगाल, थ्री में उड़ीसा। ऑप्शन ए 1 2 3, ऑप्शन बी 1 2, ऑप्शन सी ओनली 1, ऑप्शन डी पता नहीं क्या। तो याद रखना कि वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और ईस्टर्न बिहार से संबंधित है यह जात्रा थिएटर फॉर्म। इसके अलावा मुड़ियट्टू कोडियट्टम केरला, ये नाम तो बड़े अच्छे हैं, मुड़ियट्टू कोडियट्टम केरला, भवना असम, माच मोस्ट इंपॉर्टेंट माच मध्य प्रदेश, और भैंडे पत्थर भांड पाथेर, भांड पाथेर यह कश्मीर, भांड पाथेर कश्मीर, भांड पाथेर कश्मीर मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैंने तीन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया, नौटंकी याद रह जाएगा, कोडियट्टम याद रह जाएगा, पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट है जात्रा, दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है माच, और तीसरा है भांड पाथेर। ये तीनों बहुत पूछे जाते हैं, यक्षगान तो पूछा जाता है। नौटंकी उत्तर प्रदेश में ये प्रेम प्रसंग युक्त फारसी साहित्य पर आधारित है नौटंकी। तमाशा महाराष्ट्र राज्य में इसका जो विकास है ये जागरण और कीर्तन जैसे लोक कलाओं के रूपों में हुआ। भवई गुजरात का है, जात्रा पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और पूरी बिहार का है। इसके बाद कोडियट्टम उड़ियट्टू केरला तो सबको पता ही है, भवना असम का, माच या माचा मध्य प्रदेश का है, और इसके साथ में भांड पाथेर ये कश्मीर का है, ठीक, कश्मीर का लोक नृत्य है। आगे चल रहे हैं। फिर मैंने आपको बताया था ड्रग मीनार्स इन इंडिया, भारत में ड्रग से संबंधित क्या मीनार्स हैं, कौन कौन सी दिक्कतें हैं। तो मैंने आपसे बोला था कि भारत सैंडविच है, इसके बीच में गोल्डन क्रेशेंट और गोल्डन ट्रायंगल ये वो दो इलाके हैं जहां पर ओपियम का प्रोडक्शन होता है। यहाँ पे भी ओपियम बन रही है, यहाँ पे भी ओपियम का प्रोडक्शन हो रहा है, भारत बीच में धंसा हुआ है, इसलिए यहाँ पर तो संचरण तो कम्युनिकेशन तो ट्रांसपोर्टेशन तो यहाँ पे तो जरूर ड्रग्स आती होंगी। नारकोटिक्स ब्यूरो ऑफ इंडिया का काम है इस ड्रग्स को रोकना। ये गोल्डन क्रेसेंट और गोल्डन ट्रायंगल, गोल्डन क्रेसेंट के अंतर्गत कौन आता है, गोल्डन ट्रायंगल के अंतर्गत कौन आता है, तो रट्टा लगा के रखो कि गोल्डन क्रेसेंट में ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, और गोल्डन ट्रायंगल के अंतर्गत बर्मा, थाईलैंड, लाओस और वियतनाम। ये नाम जरूर याद रखो, पूछे जा सकते हैं और आप उड़ सकते हो, अभी नहीं याद रखोगे भूल जाओगे। फिर हम लोगों ने इंडियन पेंगुलिन के बारे में पढ़ा कि पेंगुलिन की 8 प्रजातियों में से इंडियन पेंगुलिन और चीनी पेंगुलिन भारत में पाए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपसे पूछ लेगा स्टेटमेंट वन कि पेंगुलिन की 8 स्पीसीज में भारत में सिर्फ इंडियन पेंगुलिन ही पाई जाती है, पहला स्टेटमेंट लिख देगा। जबकि याद रखो भारत में न सिर्फ पेंगुलिन की जो स्पीसीज है उसमें सिर्फ सब स्पीसीज इंडियन पेंगुलिन ही पाई जाती, चीनी पेंगुलिन भी पाई जाती है, चाइना की जो पेंगुलिन है वो भी भारत में पाई जाती है। इसके अलावा इनका जो हैबिटाट क्षेत्र हैबिटाट एरिया है, पूछ लेगा कि इनका हैबिटाट एरिया हायर लेटिट्यूड ऑफ हिमालय, शुष्क क्षेत्र, ड्रायर एरिया में ये पाई जाती हैं। ये स्टेटमेंट भी गलत है, अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा कि इंडियन पेंगुलिन का हैबिटाट क्या पे है, कहाँ पर ये पाई जाती हैं। तो इंडियन पेंगुलिन के 8 प्रजातियों में इंडियन पेंगुलिन और चीनी पेंगुलिन भारत में पाए जाते हैं। इंडियन पेंगुलिन एक बड़ा एंट ईटर है, चींटियां खाता है, इसकी चीट पर ये देखो इसकी पीठ पर आपको ये प्रोटेक्टिव केराटिन स्कल्स स्किन के ऊपर दिख रहा है, ये मजबूत सा है, लगभग 12-13 लेयर होती हैं इसमें, इसको आप छेद नहीं सकते। इनका प्रयोग एक्चुअली किया जाता है इसलिए इनको मार के कई सारी चीजों में प्रयोग करते हैं। इंडिया और चीनी पेंगुलिन में ये अंतर है कि इनके पूंछ, जो भारत के में पेंगुलिन है इनके पूंछ के निचले हिस्से में एक टर्मिनल स्केल होता है, जबकि चीन के पेंगुलिन वालों में ये टर्मिनल स्केल नहीं पाया जाता है।
इंडियन पेंगुलिन शुष्क क्षेत्रों में नहीं पाए जाएंगे, उच्च हिमालय में नहीं पाए जाएंगे, पूर्वोत्तर हिमालय में नहीं पाए जाएंगे, बाकी जगहों पर ये पाए जाएंगे। ठीक, इसके अलावा ये बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका में पाई जाती हैं। इंडियन पेंगुलिन को अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके संरक्षण कंजर्वेशन की बात की जाए तो ये IUCN में इसको रेड लिस्ट ने एंडेंजर्ड स्पीसीज बोला है। एंडेंजर्ड का मतलब संकटग्रस्त स्पीसीज है, संकटग्रस्त स्पीसीज है, ये याद रखना। ठीक, इसको भूलना मत, पूछा जाता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा सावित्री बाई फुले। कुछ लोग परेशान होंगे ये इतना तेज क्यों चल रहे हैं, मैं कल ये पढ़ा चुका हूँ, मैं तो रिविजन मोड में चल रहा हूँ अभी। मैं एक मतलब जहां पर मेरा नेट रुक गया वहां से मैं धीमा चलूंगा, अभी मैं तेज चल रहा हूँ क्योंकि यहां तक मैं पढ़ा चुका हूँ। जहां से मेरा नेट कल रुका था वहां से मैं थोड़ा धीमे पढ़ाना शुरू करूंगा। तो अगर आप रुके रहेंगे तो उसके आगे की चीजें धीमी होंगी। कुछ बच्चे पहले पढ़ चुके हैं मेरे साथ, उनके लिए रिविजन होगा। सावित्री बाई फुले के बारे में, 3 जनवरी 2021 को इनका जन्मदिन मनाया गया, तो 3 जनवरी 2021 के बारे में आपको याद रखना है कि सावित्रीबाई फुले को भारत में महिला शिक्षा की प्रबल समर्थक कहा जाता है। शी वॉज दी फर्स्ट फीमेल टीचर ऑफ इंडिया। इसके साथ ही ये पत्नी है इनकी, ज्योतिबा फुले या ज्योतिराव फुले। ज्योतिबा फुले कौन थे? सत्य शोधक समाज की संस्थापक ज्योतिबा फुले। ध्यान रखना, ज्योतिबा फुले की फिलो फिलो ज्योतिबा फुले की आइडियोलॉजी को जिन्होंने सक्सीड किया उनका नाम है भीमराव राम अम्बेडकर। BR अम्बेडकर के बारे में आप एक टर्म हमेशा सुनते हो और क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ये बताइए एनिहिलेशन ऑफ कास्ट ये किसकी बुक है? तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट ये जात पात तोड़ो मंडल में इनको इनवाइट किया गया कि आइए यहाँ पर आप बोलेंगे जात पात तोड़ो मंडल के अंतर्गत। तो इन्होंने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट नाम से एक अपना लेख लिखा। बहुत सी बातें ऐसी लिख दी जो जात पात तोड़ो मंडल के ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजर्स को पसंद नहीं आई, उन्होंने इनके इन्विटेशन को रद्द कर दिया। तो ये जात पात तोड़ो मंडल में जब ये पहुंचने वाले थे वहां पर अपना स्पीच देते, तो इन्होंने एक लेख लिखा जिसका नाम था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। तो ये आपसे कई बार पूछा जाता है कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किसके द्वारा लिखा गया है, तो डॉक्टर भीमराव राम अम्बेडकर मौर्य जी का बोर्ड था UPPCS में। उन्होंने पूछा कि बताओ BR अम्बेडकर में R स्टैंड फॉर, R का क्या मतलब है? तो बच्चों को पता रहता है भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर में जो BR अम्बेडकर में जो R है इट स्टैंड फॉर राम, भीमराव राम अम्बेडकर। ध्यान रखना, भीमराव रामजी अम्बेडकर। तो इस चीजों को थोड़ा बहुत अवेयर होके सुनने की कोशिश क्या करो। टाइगर रिजर्व की अगर बात की जाए तो प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा, हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर इनके द्वारा ट्वीट किया गया था हाल में कि 51वां टाइगर रिजर्व जिसका नाम है श्री विल्लुपुथुर मेघमलाई, श्री विल्लुपुथुर मेघमलाई टाइगर रिजर्व, 51 टाइगर रिजर्व भारत का हो गया। 50वां कामलांग सबको अरुणाचल प्रदेश में याद होना चाहिए। टाइगर रिजर्व कौन बनाता है? तो मैंने आपको कल ही बताया था, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। यह टाइगर रिजर्व को ऑथेंटिकेट करती है, अप्रूवल देती है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का चेयरपर्सन कौन होता है? तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का चेयरपर्सन होता है यही प्रकाश जावड़ेकर, या मैं कहूँ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री जो पर्यावरण मंत्री होंगे वही नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के चेयरमैन होंगे। ठीक, ध्यान में याद रखना। कुछ चीजें जो पूछी जाती हैं जैसे ऑल, चलिए बाद में बता दूंगा। प्रकाश जावड़ेकर जी के बारे में मतलब ये जो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं इनके द्वारा ट्वीट किया गया कि 51वां टाइगर रिजर्व श्री विलिपुत्तर मेघमलाई तमिलनाडु में, इसको 51वां टाइगर रिजर्व का दर्जा दर्जा मिल गया। तो लोकेशन याद रखिए, लोकेशन के साथ ये याद रखिए, लोकेशन में मैंने आपको बता दिया मेघमलाई, मेघमलाई और श्री विलिपुत्तु। ठीक, टाइगर रिजर्व में एक चीज और याद रखनी है आपको कि सबसे ज्यादा टाइगर कहाँ पाए जाते हैं। तो आप बोलेंगे सबसे ज्यादा टाइगर मध्य प्रदेश में 526 है, इसके बाद कर्नाटक में 524 है, इसके बाद उत्तराखंड में 442 है। अगर राज्य वाइज पूछे सबसे अधिक टाइगर कहाँ पाए जाते हैं तो आप बोलेंगे मध्य प्रदेश में। लेकिन अगर इंडिविजुअली पूछे कि किस टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक टाइगर है तो आप बोलेंगे टाइगर जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में सबसे ज्यादा टाइगर पाए जाते हैं, उसके बाद काजीरंगा में। तो याद रखना, अगर इंडिविजुअली टाइगर रिजर्व का नाम बोल दे कि इनमें से किस टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक टाइगर पाए जाते हैं तो आप बोलेंगे जिम कॉर्बेट। अगर राज्यवार पूछे कि किस स्टेट में सबसे अधिक टाइगर पाए जाते हैं तो आप बोलेंगे मध्य प्रदेश 526। ठीक, उसके अलावा मैंने कल कुछ टाइगर रिजर्व आपको नाम बोले थे, जैसे मैंने उदांती शतांती बोला होगा, नामदफा बोला होगा, इसके अलावा मैंने आपको तड़ोबा जरूर बोला होगा कि तड़ोबा सोच लेना, सुरेश रैना घूमने जाते हैं, रणथंबोर देख लेना, पेंच देख लेना, इसके अलावा बांदीपुर देख लेना। ये सब पूछे जाने वाले हैं जो बार बार पूछे जाते हैं मैचिंग कराने के लिए। यहां से हमको पढ़ना था, हमको यहां से पढ़ना था। अब मैं स्लो हो जाऊंगा क्योंकि आज करंट अफेयर यहां से स्टार्ट होने वाला है, तो अब मैं स्लो हो जाऊंगा। ठीक, वहां तक हम लोगों ने कल पढ़ लिया था, तो अब यहां से पढ़ना शुरू करना। ठीक, अब यहां से पढ़ना शुरू करना। जिम कॉर्बेट, वेरी गुड नैन्सी वर्मा, बहुत बढ़िया। अब चल रहे हैं आगे। देखो, एक संस्था का नाम बहुत ज्यादा सुन रहे हो आप, आजकल भी आप सुन रहे होंगे, जिसका नाम है गावी। गावी क्या है? ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन। ये जो ग्लोबल अलायंस है किसके लिए ग्लोबल अलायंस किया गया है? ग्लोबल अलायंस का मतलब है कई लोग मिलके उन्होंने अलायंस किया है, साथ में मिलकर आए हैं। किस चीज के लिए मिलकर आए साथ में?
तो मिलकर आए हैं वैक्सीन के लिए और इम्यूनाइजेशन के लिए। क्या कर रहे हैं, ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 2000 में की गई, इस्टेब्लिश ऑन 2000 या 2000, या एक वैश्विक वैक्सीन गठबंधन लिखा ही है नाम में लिखा है, वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो वैक्सीन का गठबंधन तो है ही। यह विश्व के गरीब देशों में रहने वाले बच्चों के लिए नए और अप्रयुक्त टीके गए अंडर यूज्ड वैक्सीन की समान पहुंच सुनिश्चित करने हेतु साझा लक्ष्य के साथ सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों को एक साथ लेकर आता है इसके मुख्य भागीदारियों में, क्योंकि अलायंस है, अलायंस है। तो कौन कौन है इसके पार्टिसिपेंट, इसके पार्टिसिपेंट में आपको दिख रहा होगा यूनिसेफ दिखाई दे रहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दिखाई दे रहा है, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन दिखाई दे रहा है, वर्ल्ड बैंक दिखाई दे रहा है, वही दिख रहा है यही लिखा हुआ, यूनिसेफ है, विश्व स्वास्थ्य संगठन है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड है, वर्ल्ड बैंक है, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, यह इसमें शामिल है। क्वेश्चन तो बन सकता है कि अभी हाल में ही चर्चा में रहा गावी, जो कि स्टैंड्स फॉर ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन, इसके अंतर्गत कौन कौन सी अलायंस है, तो कौन अलायंस किसका होता है साथ में, कौन कौन लोग मिलकर इसको बना रहे हैं, तो आप बोलेंगे WHO है, यूनिसेफ है, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन है, वर्ल्ड बैंक है, ये सब लोग साथ में मिलकर इस गावी को बना रहे हैं। ठीक, इसका काम क्या है, इसका काम है वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन को प्रोवाइड कराना उन जगहों पर जहां पर वैक्सीनेशन सही तरीके से नहीं हो पा रहा। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ क्यों चर्चा में है, ऐसा क्या हुआ कि जो चर्चा में आ गया, करंट अफेयर में आ गया, क्योंकि जो हमारे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है हर्षवर्धन जी, ही वॉज नॉमिनेटेड बाई दी ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन एज अ मेंबर ऑन जी गावी बोर्ड। गावी बोर्ड के मेंबर के रूप में हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उनको नॉमिनेट कर दिया गया। इससे पहले मई 2020 में हमारे हेल्थ मिनिस्टर को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में भी चेयर किया गया, वहां पे भी नॉमिनेट किया गया था। द मिनिस्टर विल बी रिप्रेजेंटिंग दी साउथ ईस्ट एरिया रीजनल ऑफिस, वेस्टर्न पैसिफिक रीजनल ऑफिस कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑन दी गावी बोर्ड। द सीट इज करेंटली हेल्ड बाई म्यांमार, अभी म्यांमार के द्वारा ये हेल्ड की जा रही है, लेकिन भारत को अब दे दिया गया है इस एरिया का जिम्मेदारी। 1 जनवरी 2021 से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक हर्षवर्धन जी यहाँ पर गावी बोर्ड में काम करेंगे। ठीक ठीक है, ध्यान रखना, भूल मत जाना। आगे चलें, मोनपा हस्तनिर्मित कागज, ये क्यों चर्चा में रहा, ये मोनपा हस्तनिर्मित कागज, ये मोनपा हस्तनिर्मित कागज, ये खादी और ग्रामोद्योग आयोग, खादी और ग्राम उद्योग आयोग के द्वारा अरुणाचल प्रदेश के मोनपा हस्तनिर्मित कागज के पुनरुद्धार, मतलब इसका इसको फिर से बनाने की बातें की जा रही है कि इसको फिर से बनाया जाएगा। तो किसके द्वारा, कौन ये कर रहा है, ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, इसके बारे में भी थोड़ी देर में पता करेंगे। द पेपर हैज ग्रेट हिस्टोरिक एंड रिलीजियस सिग्निफिकेंस एज इट इज द पेपर यूज्ड फॉर राइटिंग बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स एंड हिम्स इन मोनेस्ट्रीज। तो जो मोनेस्ट्री हैं उनके द्वारा इसी कागज पर जो बुद्ध के सूक्त हैं, हिम्स हैं, उनको लिखा जाता है। साथ में जो मुनाफा हैंडमेड पेपर, इट इज मेड फ्रॉम द बार्क ऑफ लोकल ट्री कॉल्ड शुगु सिंह, शुगु सिंह नाम के एक पेड़ के द्वारा यह मोनपा हैंडमेड पेपर, मतलब मोनपा हस्तनिर्मित कागज को बनाया जाता है, विच हैज मेडिसिनल वैल्यूज टू। ये जो शुगु शेंग है इसकी कुछ आयुर्वेदिक गुण भी इसके पास होंगे। व्हाट इज खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन, याद रखो खादी और ग्रामोद्योग जो पिछले पिछले 1 साल में ये मेरे सामने से कई बार गुजरा हुआ है, 2002 या 2003 में UPSC ने जरूर पूछ लिया था खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के बारे में, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, फिर से पूछ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, तो याद रखना खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन अधिनियम 1956, खादी और ग्राम उद्योग आयोग अधिनियम 1956 के तहत एक सांविधिक निकाय है, स्टेटूचरी बॉडी है। व्हाट इज सांविधिक निकाय, अगर किसी विधि के अनुसार, अगर किसी कानून के अनुसार, अगर किसी लॉ के किसी एक्ट के अंतर्गत, किसी एक्ट के अंतर्गत कोई बॉडी बनती है तो उसे स्टेटूचरी बॉडी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल नीति आयोग किसी एक्ट के अंतर्गत नहीं बनी, नीति आयोग एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के द्वारा बनाई गई, नीति आयोग किसी एक्ट के अंतर्गत नहीं बनी है। शायद यही कारण है कि नीति आयोग को आप लोग स्टेटूचरी या फिर सांवैधानिक निकाय नहीं कहते, ये एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से बनी स्पेशल बॉडी। ठीक, ये ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसको आप लोग कहोगे संवैधानिक तो बिल्कुल भी नहीं, गैर संवैधानिक है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कई बच्चों के कंफ्यूजन रहता है, सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और स्टेटूटरी बॉडी। ध्यान रखो ऐसी बॉडी जिनका वर्णन संविधान के किसी अनुच्छेद में है, अगर वो किसी भी संविधान के किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी आर्टिकल में रिटेन है तो उन्हें हम लोग कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 280 टॉक्स अबाउट फाइनेंस कमीशन, फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 243 टॉक्स अबाउट पंचायत, फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 74 टॉक्स अबाउट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 263 टॉक्स अबाउट
इंटर स्टेट काउंसिल, फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 324 टॉक्स अबाउट इलेक्शन कमीशन, फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल, आप इसके अलावा जो भी संस्थाएं आपको याद आती जाएं वो आप संस्था याद करते रहे, फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 148 टू 151 के बारे में चर्चा दी हुई है। तो जो भी संविधान के किसी आर्टिकल में लिखी हुई बॉडी है उन्हें हम लोग कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अगर वह संविधान के किसी आर्टिकल में आपको नहीं दिखाई दें, फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन, ये जोनल काउंसिल, ये किसी आर्टिकल के अंतर्गत आती नहीं है, इसलिए इन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं कहा जाता। जबकि कुछ ऐसी बॉडी हैं जो स्पेशल एक्ट के अंतर्गत बनाई गई, मतलब स्पेशल एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के अंतर्गत बनाई गई, इन्हें हम लोग स्टेटूटरी बॉडी भी नहीं कहते। स्टेटूटरी बॉडी या सांवैधानिक निकाय वह निकाय होते हैं, वह संस्थाएं होती हैं जो संसद के द्वारा लाए हुए किसी कानून के अंतर्गत बन जाए, किसी कानून के अंतर्गत बनेगी तो उन्हें आप लोग कहेंगे कि हाँ ये सांवैधानिक या फिर स्टेचुरी बॉडी है। फॉर एग्जाम्पल ये अधिनियम लेकर आया गया, इस अधिनियम, इस एक्ट का नाम क्या है, ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम। ये ग्रामोद्योग मतलब विलेज इंडस्ट्री कमीशन एक्ट 1956 के अंतर्गत ये बॉडी बनाई गई जिसका नाम है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। ठीक है, इस कमीशन को इसलिए हम लोग कहते हैं स्टेटूटरी बॉडी है, सांवैधानिक निकाय है, अंतर याद रखना, पूछा जाता है तो गलत मत कराना। यह भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के अंतर्गत आने वाली एक प्रमुख संस्था है। एमएसएमई के अंतर्गत आती है, सरकार के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत, एमएसएमई के अंदर रट्टा लगाना, एमएसएमई के अंतर्गत आती है। इसका मुख्य उद्देश्य पर्पज है उन ग्रामीण क्षेत्रों में जहां जहां भी आवश्यक हो अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर खादी और ग्रामोद्योगों की स्थापना तथा विकास के लिए योजनाएं बनाना, उनका प्रचार प्रसार करना और सुविधाएं एवं सहायता प्रदान करना। ठीक, सेल्फ हेल्प ग्रुप अगर गांव में पहुंचेंगे तो वो काम कर रहा होगा या कुछ और काम कर रहा होगा, उसके साथ मिलकर काम करना। इनको हर कोई जानता है, आजकल जान ही रहा है, एलन मस्क है, इनके बारे में, एलन मस्क के बारे में फेमस है कि स्पेस एक्स ने एक रिकॉर्ड बनाया, अभी तक भारत की इसरो के पास ये रिकॉर्ड था, अब स्पेस एक्स एलन मस्क के द्वारा रिकॉर्ड बना दिया गया इनकी संस्था स्पेस एक्स के द्वारा। क्या क्या इसने, न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएटेड बाई फॉल्कॉन 9 रॉकेट। ये फॉल्कॉन 9 ने क्या किया, इट लॉन्चेस, इसके द्वारा लॉन्च किया गया 143 सैटेलाइट्स ऑन सिंगल रॉकेट। भारत ने 104 सैटेलाइट सिंगल रॉकेट में दागे थे, इन्होंने 143 सैटेलाइट दागे हैं सिंगल रॉकेट के द्वारा, तो ये विश्व रिकॉर्ड बन गया। स्पेस एक्स कौन सा रॉकेट था, फॉल्कॉन 9, कितने दागे, 143। स्पेस एक्स फाउंडर एलन मस्क, ठीक याद रखना, भूला मत, ये लिखा है स्पेस एक्स के द्वारा 143 छोटे उपग्रहों की ढुलाई वाले ट्रांसपोर्टर 1 नामक अपने महत्वाकांक्षी राइट शेयर मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। एक ही रॉकेट में 143 सैटेलाइट्स को लॉन्च कर दिया गया। स्पेस एक्स ने फरवरी 2017 में इसरो के द्वारा, फरवरी 2017 में पीएसएलवी के द्वारा ये रिकॉर्ड बनाया गया था जिसके द्वारा 104 सैटेलाइट छोड़े गए थे, इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया। ठीक, दो स्टेटमेंट के फॉर्म में आ सकता है। 67th नेशनल, जो 67th नेशनल फिल्म पुरस्कार है, प्राइज है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, इसके अंतर्गत याद रखो कि 2019 के लिए 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा करी गई, जहां पर प्रियदर्शन के द्वारा निर्देशित मलयालम मूवी जिसका नाम है मरक्कर अरबिक्का डिलिनते सिम्हम को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के पुरस्कार से चुना गया। तो ये अरबिक्का डिलिनते सिम्हम ना याद रहे कोई बात नहीं, लेकिन मरक्कर तो कम से कम याद रहना चाहिए कि किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म की श्रेणी में चुना गया, तो आप बोलेंगे मरक्कर को चुना गया। ठीक, इंग्लिश में लिखा है तो लोड नहीं लेना है। बेस्ट फीचर फिल्म का नाम है मरक्कर, बेस्ट फीचर फिल्म का नाम है मरक्कर, मलयालम फिल्म का नाम है मरक्कर। वहीं पर सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार किसे मिला, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार मिला छिछोरे को, और संजय पूरन सिंह चौहान को उनकी हिंदी फिल्म 72 हूरे के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया। जैसे अभी हाल में ऑस्कर अवार्ड मिले हैं 5-6 दिन पहले, तो सब लोग बड़ा रटे पड़े हैं, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी रट लीजिए, आते हैं कई बार और पूछे जाते हैं, जैसे हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार संजय पूरन सिंह चौहान को दिया गया उनकी किस हिंदी फिल्म के लिए, तो आप बोलेंगे 72 हूरे, या फिर 72 हूरे ये किसके द्वारा बनाई हुई फिल्म है, तो संजय पूरन सिंह चौहान। संजय पूरन सिंह चौहान को इनमें से कौन सा पुरस्कार मिला, तो आप बोलेंगे सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार मिला। तो ये क्वेश्चन कई तरीके से घूम के पूछा जा सकता है। बेस्ट एक्टर की अगर बात करूं, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता यहाँ पे मनोज वाजपेयी को मिला फॉर भोसले, जबकि धनुष को मिला फॉर असुरन, तमिल मूवी असुरन के लिए। इसके अलावा बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो कंगना रनौत को उनके फिल्म पंगा के लिए, और मणिकर्णिका के लिए, द क्वीन ऑफ झांसी मणिकर्णिका मूवी बनी थी उसके लिए बनाया गया। जैसे ही झांसी शब्द आपके सामने से गुजरे तो आपको झांसी शब्द के गुजरते ही यह बात जरूर याद आनी चाहिए। अगर मैं बोलूं और आपको लगे गलत है तो आप तुरंत कमेंट करिएगा, सर आप गलत बता रहे हैं। ठीक, जैसे मैं फिर से बोल रहा हूँ और आपको लगे गलत बोल रहे हैं तो आप तुरंत कमेंट करना, सर गलत बता रहे हैं। जैसे ही झांसी आपको दिखाई दे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तो आपको तुरंत याद आना चाहिए कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म झांसी में हुआ था और इनका ससुराल
बनारस में था जबकि इनकी समाधि ग्वालियर में है। क्या यह स्टेटमेंट जो मेरे द्वारा बोला गया, क्या यह स्टेटमेंट सही है? सही है क्या? ठीक है, कुछ लोगों ने कहा, शिवानी सिंह ने कहा नहीं गलत है, 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 रॉन्ग, वेरी गुड, ठीक, मेरी झांसी, ठीक है, ध्यान रखो, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जब भी नाम आए तो ये कई लोगों का मिथ हो जाता है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का मतलब है झांसी की है, तभी तो रानी लक्ष्मीबाई हुई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म बनारस में हुआ, मणिकर्णिका इनका नाम था। इनकी ससुराल गंगाधर राव के साथ शादी होने के बाद झांसी हो गई। इनकी ग्रेव जब लड़ते हुए ग्वालियर पहुंची, तात्या टोपे भी साथ में थे, तो ग्वालियर में इनकी मृत्यु हुई, तो वहां पर इनकी ग्रेव बनाई गई। झांसी की रानी के रिवॉल्ट को सप्रेस करने में, जिस एक व्यक्ति का आप इस मणिकर्णिका मूवी में देख रहे होगे नाम, जिसने कहा कि इस पूरी क्रांति के दौरान अकेला मर्द मुझे ये महिला लगी, जिसका नाम रानी लक्ष्मीबाई, इनका नाम था ह्यूग रोज। याद रखना, ह्यूग रोज ने स्टेटमेंट पास किया और बोला कि 1857 की क्रांति का अकेला मर्द अगर मुझे कोई लगा तो वो रानी लक्ष्मीबाई थी, जिन्होंने इतना बड़े संघर्ष, इतने खतरनाक संघर्ष के साथ युद्ध किया। ह्यूग रोज का स्टेटमेंट है और ह्यूग रोज के द्वारा ही झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के इस विद्रोह को सप्रेस कर दिया, झांसी का ये विद्रोह सप्रेस किया गया। अब इन्हें ध्यान रखना, मैं कई बार दो शब्द प्रयोग कर रहा होता हूँ, एक बार मैं विद्रोह बोलता हूँ, कभी मैं क्रांति बोलता हूँ। देखो, क्रांतियां हमेशा सुधार, रिफॉर्म के लिए आती हैं, जबकि विद्रोह में रिफॉर्म नहीं होते, रिवॉल्ट डेमोक्रेसी को सप्रेस करते हैं, जबकि रिफॉर्म सुधार चाहते हैं। और सुधार के अंतर्गत मतलब रिफॉर्म हमेशा अच्छे होंगे, विद्रोह अच्छे नहीं होंगे। अंग्रेजों के द्वारा 1857 को रिवॉल्ट बताया गया, क्रांति नहीं बोला गया, जबकि वास्तविकता में यह उन किसानों की क्रांति थी जिनको भारत में किसान अंग्रेज दबा रहे थे अपने लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत। लेकिन इसे विद्रोह का दर्जा दिया गया क्योंकि ये बताने की कोशिश की गई विश्व को कि ये म्यूटनी विद्रोह है, एक सिपाही म्यूटनी है। ये सिपाही म्यूटनी क्यों कहा गया? क्योंकि अगर ये इसको मैं सिपाही विद्रोह कह दूंगा तो ऑब्वियस ही बात है कोई भी विश्व का देश इसमें सपोर्ट नहीं करेगा। क्या सिपाहियों का विद्रोह तो हमेशा सरकार को दबाने के लिए किया जाता है, जैसे म्यांमार में अभी हाल में मिलिट्री के द्वारा वहां की सरकार को गिरा दिया गया, आपातकाल लगा दिया गया, तो उसको आप सपोर्ट नहीं कर सकते। इनडायरेक्टली भले ही कह पा रहे होगे, डायरेक्टली भले ही कह दोगे कि हाँ, लेकिन डायरेक्टली अगर आपको अभी भी अंदर से लगता होगा कि हाँ ये अगर किया गया है तो ये सही नहीं है, सरकार तो डेमोक्रेसी तो मेंटेन होनी चाहिए। अंग्रेज जब भारत पहुंचे तो उनसे जब पूछा गया भारत क्यों आए हो, तो उनका कहना जाना था कि क्योंकि भारत में तानाशाही है। तानाशाही का मतलब एक ऐसे ऐसे एक ऐसे तरह का तंत्र भारत में बिलोंग करता है जहां पर लोग तानाशाह हैं, अपना चलाते हैं। सो वी आर हेयर फॉर, भारत के लोगों को हम लोग रूल ऑफ लॉ सिखाना चाहते हैं, हम इन्हें कानून का नियम सिखाना चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ पर आते हैं। और जब भी मैं रूल ऑफ लॉ बोला करूं तो आपके दिमाग में तुरंत आर्टिकल 13 चमकना चाहिए, आर्टिकल 13 तुरंत चमकना चाहिए। ओहो, रूल ऑफ लॉ तुरंत चमकना चाहिए, तुरंत चमकना चाहिए बिना कुछ सोचे समझे। तो मैंने आपको बताया कि वाजपेयी, मनोज वाजपेयी जी को भोसले के लिए और धनुष को तमिल फिल्म असुरन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का, जबकि कंगना रनौत को उनकी फिल्म पंगा और मणिकर्णिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया। इसके साथ ही फिल्मों में के प्रति सबसे संवेदनशील राज्य का पुरस्कार सिक्किम को दिया गया, सिक्किम को दिया गया। और सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ पुस्तक का पुरस्कार, संजय सूरी की किताब का नाम है गांधी अफेयर, इसके लिए सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ पुस्तक का पुरस्कार दिया गया संजय सूरी को, उनकी किताब अ गांधियन अफेयर के लिए। ठीक, क्वेश्चन घूम के आ सकता है, अ गांधियन अफेयर अभी हाल में ही फिल्म पुरस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के दौरान चर्चा में रही, किसके द्वारा लिखी गई, क्या इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इसके लिए सही है, तो आपको पता होना चाहिए। जाने माने हिंदी लेखक, इनका नाम है प्रोफेसर शरद पगारे। प्रोफेसर शरद पगारे पीछे भले ही आपको साफ नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन चलो दिख जाए कोई बात नहीं। शरद पगारे को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। पाटलिपुत्र की सामग्री, इनकी किताब का नाम है, पीछे दिख रही है पाटलिपुत्र की सामग्री, इसके लिए पाटलिपुत्र की सम्रागी, मतलब सॉरी, पाटलिपुत्र की सम्रागी, इसके लिए इनको व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। 1991 में व्यास सम्मान की शुरुआत के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा की गई। 10 वर्षों के दौरान प्रकाशित किसी भारतीय नागरिक के द्वारा लिखी हुई हिंदी में कोई भी अगर उत्कृष्ट साहित्य लिखा जाता है उसके लिए व्यास सम्मान दिया जाता है। इसमें क्या क्या मिलता है इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन हाँ, व्यास सम्मान में किसके द्वारा व्यास सम्मान बनाया गया और व्यास सम्मान किसको मिला इंपॉर्टेंट हो सकता है। जब भी यहां पर आपको पाटलिपुत्र दिखाई दे तो मेरे ख्याल से पाटलिपुत्र दिखते ही
आपको एक नाम तुरंत चमकना चाहिए, पाटलिपुत्र जैसे ही मुझे दिखाई दे तो आपको एक नाम तुरंत चमकना चाहिए, जिसका नाम था, जिसे पितृहंता कहा गया, जिसे पितृहंता कहा गया, पितृहंता कहा गया। मेरे ख्याल से आपके दिमाग में वह नाम जरूर चमक रहा होगा कि किसको पितृहंता कहा गया। अजात शत्रु को पितृहंता कहा गया, लेकिन अजात शत्रु के बिटवा, इसको भी पितृहंता कहा गया। आप मुझे बताओ, ये उदायन है या फिर उदयन है, इसका नाम क्या है? ये उदायन है या फिर उदयन है, क्या है ये, उदायन है या उदयन है? जिसे पाटलिपुत्र में इसने एक फोर्ट बनवाया था, पाटलिपुत्र में फोर्ट बनवाया, उदायन या उदयन बोलते हैं, तो आपको बताना क्या नाम है इसका, उदायन है उदयन है? कुछ बच्चे आए हैं, उदायन, पूजा शुक्ला ने कहा उदायन, उदायन उदयन, अच्छा वेरी गुड, उदायन उदायन उदायन, वेरी गुड, ठीक है, पता है टीम का उदयन है। अब क्योंकि क्योंकि कई लोगों के कई सारे आंसर आ रहे हैं, अब देखो आपको एक खोजना है कि कौन है ये, उदयन है, आपको सर ने जरूर पढ़ाया होगा, आपने आपको सर ने जरूर पढ़ाया होगा कि उदयन है कि उदायन है। अगर उदयन उदयन में कंफ्यूजन है तो कोशिश करना एक कहानी जरूर नेट पे डाल के पढ़ना, जिसका नाम है स्वप्न वासव दत्ता। इस कहानी को पढ़ जाओगे, प्यार की कहानी है, ये कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाएगा कि उदयन कौन था और उदयन कौन था, ठीक है। स्वप्न वासव दत्ता, स्वप्न महाकवि भाष के द्वारा रचित ये कहानी है, इसका नाम है स्वप्न वासव दत्ता, स्वप्न वासव, की वीडियो पे पढ़ जाना, बस थोड़ी देर की कहानी है, मुश्किल से आपको 10 मिनट लगेंगे, मुश्किल से 8 मिनट लगेंगे, स्वप्न वासव दत्ता को पढ़ जाना, आपको उदयन और उदयन में जो डिफरेंस है वो जीवन में कभी नहीं भूलोगे, ठीक, पढ़ जाना पढ़ जाना। लेकिन अगला क्वेश्चन बहुत बवाल हुआ इसको लेकर, ये स्टेडियम जिसे हम लोग मोटेरा स्टेडियम कहते हैं, यहाँ पर मोटेरा स्टेडियम का नाम चेंज कर दिया गया, तो मोटेरा स्टेडियम जो कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है, इसका नाम बदल के नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया, बड़ा बवाल हुआ। तो वन लाइनर फैक्चुअल क्वेश्चन में आपको याद रखना है, मोटेरा स्टेडियम कहाँ पर है और किसके नाम पर इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया। पहले पटेल साहब के, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर ये स्टेडियम का नाम था, अब मोदी जी के नाम पर हो गया। MFX 21, वॉट इज MFX 21? ये एक तरह का अभ्यास है जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बड़े पैमाने पर सेना के तीनों अंग, सेना के तीनों अंग मतलब जल भी, थल भी और नभ भी, नेवी के द्वारा भी, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा भी और आर्मी के द्वारा भी, इनके द्वारा मिलकर ये एक अभ्यास जिसका नाम है MFX 21 अंडमान निकोबार में किया गया, ठीक, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बहुत बार, बाकी इसमें कुछ ऐसा समझ में नहीं आ रहा कि आपको कुछ पढ़ना है। मेरा गांव मेरा गौरव प्रोग्राम ICAR के द्वारा चलाया गया ये प्रोग्राम, इसका नाम है मेरा गांव मेरा गौरव प्रोग्राम, क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का इनिशिएटिव है मेरा गांव मेरा गौरव प्रोग्राम, जो कि क्लिनलीनेस ड्राइव वॉज कैरीड आउट इन फ्यू विलेजेस ऑफ गोवा गोवा अलॉन्ग विद गाइडेंस टू विलेज पंचायत ऑन वेस्ट डिस्पोजल। किस प्रकार से आपको ये जो वेस्ट है इसको किस प्रकार से डिस्पोज करना है, इसके लिए चलाया गया ये प्रोग्राम है, गोवा में चलाया गया, नाम है मेरा गांव मेरा गौरव प्रोग्राम। किस संस्था के द्वारा चलाया गया? ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। जैसे ही मैं बोलूँ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, आपके बैकग्राउंड में हो सकता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च चलने लगे, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च भी चलने लगेगा, ठीक है। ICAR के कई लोग इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च को CSIR से कन्फ्यूज कर जाते हैं, क्योंकि कुछ कुछ टर्म मिलता है, जैसे ICAR का फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जबकि CSIR का फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, तो वो आप जब कई बार रिवाइज नहीं करोगे तो आपके दिमाग में घुसेगा, उल्टा उल्टा मैच होगा, ध्यान देना, CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसके अंतर्गत आप हमेशा एग्रीकल्चर के अंदर कई सारी चीजें आप सुन रहे होते हैं, ये ट्रैक्टर का निर्माण कर दिया उन्होंने, ये इस तरीके की चीज बना दी, तो CSIR का जो चेयरमैन होता है या जो चेयरपर्सन होता है, चेयरमैन जो होता है वह प्राइम मिनिस्टर होता है, भारत का प्रधानमंत्री बाई डिफॉल्ट CSIR का चेयरमैन होता है, और भारत का प्रधानमंत्री सिर्फ CSIR का चेयरमैन नहीं होता, ध्यान देना, भारत का प्रधानमंत्री कई सारी संस्थाओं का चेयरमैन होता है, मैं गिना रहा हूं, आप सुनने का प्रयास करो, मैं कई बार बोलता रहता हूं, मेरे ख्याल से याद हो जाना चाहिए। नंबर 1 न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, नंबर 2 इंटर स्टेट काउंसिल, नंबर 3 नेशनल कमीशन फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल, नंबर 4 काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, नंबर 5 डिपार्टमेंट ऑफ साइंस, नंबर 6 डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, इसके अलावा नेशनल रिवर गंगा बेसिन अथॉरिटी, इसके अलावा वेलफेयर ऑल इंडिया वेलफेयर बोर्ड फॉर एनिमल, मोस्ट प्रॉब्ली मैं हो सकता है नाम मेरे से मिस हो रहा हो, इन सारी नीति आयोग, नीति आयोग, इन सारी संस्थाओं का हेड या फिर कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर,
कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट, इन सारी ही कमेटी या फिर मैंने जो संस्थाएं बोली इन सब का ही चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होता है। रट्टा लगा लो, आईएएस ने 2016 में पूछा था कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर का चेयरपर्सन कौन होता है प्राइम मिनिस्टर, यूपीएससी ने 2016 में पूछा। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी इस बार लगता था आएगा, आया नहीं, जिसने एयर स्ट्राइक करी पाकिस्तान पे इसका चेयरमैन कौन, प्राइम मिनिस्टर। न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी जो ये बताएगी कि भैया न्यूक्लियर हमला करना है, चेयरमैन कौन, प्राइम मिनिस्टर। भारत का राष्ट्रपति न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी का चेयरमैन नहीं है, भारत का प्रधानमंत्री न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी का चेयरमैन है। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, ऐसी बातें भले ही की जा रही हैं लेकिन आपको ये कुछ संस्थाओं के नाम जरूर जानने चाहिए। ठीक, आगे चलें। ये जो योजना है जिसका नाम है मेरा गांव मेरा गौरव प्रोग्राम, इस योजना की शुरुआत 2015 में करी गई। इस योजना के तहत वैज्ञानिकों को उनकी सुविधा के अनुसार गांवों का चयन करने और चयनित गांवों के संपर्क में रहने तथा किसानों को निजी यात्राओं का या टेलीफोन के माध्यम से तकनीकी एवं कृषि से संबंधित अन्य पहलुओं की जानकारी प्रदान करने की परिकल्पना की गई। ये एक गांव चुनेंगे, टीम होगी वैज्ञानिकों की जो गांव चुनेगी, वहां पर वेस्ट डिस्पोजल, किस प्रकार से वेस्ट को डिस्पोज करना है, जो वहां पर मतलब अपशिष्ट पदार्थ है उसको किस प्रकार से डिस्पोज करना है, उसका प्रबंधन कैसे होना चाहिए, इसके लिए एक वैज्ञानिक टीम एक गांव को चुनेगी और उस गांव के किसानों को चाहे तो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन कर ले या फिर डायरेक्टली चली जाए उनके पास पहुंची, उन्हें समझाए, क्या समझाए, तकनीकी ज्ञान दे दे, टेक्नोलॉजिकल चीजें बता दे और कृषि से संबंधित अन्य पहलुओं की जानकारी प्रदान करने के लिए यह परिकल्पना की गई। इसका नाम है मेरा गांव मेरा गौरव प्रोग्राम। वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्रों, कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी अटमा की सहायता से कार्य कर सकते हैं। ये जो वैज्ञानिक है यह दो किन संस्थाओं के साथ मिलकर काम करेंगे, तो एक संस्था का नाम है कृषि विज्ञान केंद्र और दूसरी संस्था का नाम है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी अटमा। आईएएस ऐसे स्टेटमेंट पे बहुत रिलाय करती है, बहुत बार ऐसे नाम लिख देगी जिनको आपने देखा ना हो, जिन्हें आप फील ना कर पाओ, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसलिए रखा गया। ठीक, याद करके रखना, पूछ सकता है स्टेटमेंट के फॉर्म में। इसके बाद लिखा है गांधी शांति पुरस्कार, बांग्लादेश के राष्ट्रपति का नाम है बंगबंधु शेखर मुजीबुर रहमान और ओमान के दिवंगत सुल्तान काबूस बिन सईद अल सैद को 2020 के लिए दिया गया, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को, और 2019 के लिए दिया गया काबूस बिन सईद अल सैद को, ओमान के काबुल बिन सईद अल सैद को 2019 के लिए, जबकि बांग्लादेश के राष्ट्रपति बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को, जिन्हें बंगबंधु भी कहा जाता है, शेख मुजीबुर रहमान, इनको बांग्लादेश के हैं गांधी शांति पीस पुरस्कार दिया गया। इस वर्ष पुरस्कार को भारत सरकार के द्वारा 1995 में महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में शुरू किया गया था। ये जो गांधी शांति पीस प्राइज है 1995 में एस्टेब्लिश किया गया, किस आधार पर, 125वीं जयंती थी महात्मा गांधी की, इसके लिए किया गया। इसकी जो मतलब ज्यूरी है जो बैठती है और ये चयन करती है किसको दिया जाएगा ये प्राइज, इसकी ज्यूरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इसकी ज्यूरी के अंतर्गत जो गांधी पीस प्राइज देने वाली ज्यूरी है, जो सिलेक्टिंग कमेटी है, सिलेक्टिंग कमेटी बोले अच्छा है, सिलेक्टिंग कमेटी जो चयन समिति, सिलेक्टिंग कमेटी जो है, इस सिलेक्टिंग कमेटी के अंतर्गत भारत का प्रधानमंत्री तो होगा ही, इसके साथ देश का मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, इसके साथ ही लोकसभा के सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता, लोकसभा का अध्यक्ष और सुलभ इंटरनेशनल का संस्थापक इसमें शामिल होंगे। ध्यान रखना, सुलभ इंटरनेशनल का जो चेयरपर्सन होगा वह भी गांधी पीस प्राइज की सिलेक्टिंग कमेटी में बैठा होगा। ठीक, आपको नहीं पढ़ा है तो आप नहीं समझ पाओगे, पढ़ा है तो पूछ सकता है, हो सकता है यूपीएससी पूछ ले कि बताइए गांधी पीस प्राइज के संबंध में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट लिख देगा सन 2020 के लिए गांधी शांति पीस प्राइज या गांधी पीस प्राइज यह शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया। दूसरा स्टेटमेंट लिख देगा कि गांधी पीस प्राइज की सिलेक्टिंग कमेटी में ये होता है, प्राइम मिनिस्टर है, सीजेआई है, इसके अलावा अपोजिशन का लीडर है, लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर है, सुलभ इंटरनेशनल खा जाएगा, कहेगा ये चार मेंबर होते हैं तो आप उलझ के इसको सही मार सकते हैं। ध्यान रखना, सुलभ इंटरनेशनल का संस्थापक भी सिलेक्टिंग कमेटी में होता है, सिलेक्टिंग कमेटी में होता है। ठीक, आगे चल रहा है। एपवेक्स क्या है, व्हाट इज एपवेक्स, तो मनीला में स्थित है, इसका नाम है एशियन डेवलपमेंट बैंक। मुझे बताओ, मैंने ये तो कई बार पूछ लिया, क्या मुझे कुछ बच्चे ही बता सकते हैं कि हम लोग जिसे बोलते हैं ब्रिक्स बैंक या फिर हम लोग इसे कहते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, वेयर इज इट्स हेडक्वार्टर, NDB का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये मुझे बताओ, मैंने पढ़ाया हुआ है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का
हेडक्वार्टर कहां पर है? किसी बच्चे ने पूछा सर, दीन बंधु, बंग बंधु, देश बंधु, मॉडर्न हिस्ट्री आपकी हो गई कबार? ठीक, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। अच्छा, अब मुझे बता दो, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन 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 इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का मुख्यालय कहां पर है? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का मुख्यालय कहां पर है? बीजिंग। बहुत बढ़िया, सब लोग सही बता दे रहे हैं, बहुत सही बता रहे हैं। ठीक है, तो नया डेवलपमेंट तब होता है, ये नया डेवलपमेंट कब बनेगा? तो नया डेवलपमेंट आपके जीवन में तब होगा, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये आपके जीवन में नया डेवलपमेंट तब होगा जब आपकी शादी होगी, और शादी जब होगी तो शहनाइयाँ बजेंगी ना, शहनाई बजेगी, जब शहनाई बजेगी तो संघाई हो जाएगा। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक, नया विकास, नया डेवलपमेंट आपके जीवन में तब होता है जब शादी होगी, और शादी होगी तो शहनाई बजेगी, शहनाई तो मतलब संघाई, संघाई में क्या है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर। जबकि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में, बीजिंग में। ठीक, और एक और बैंक आपको दिख गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? फिलीपींस के मनीला में। ठीक, पूछे जाते हैं क्वेश्चन, आईएएस ने कई बार पूछा हुआ है, रिपीट मोड में पूछता है, पीसीएस तो पूछ ही सकता है, उसने अब तक पूछा नहीं लेकिन पूछ तो लेगा, कहेगा मैचिंग करा दो, कहेगा मैचिंग करा के बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही लिखा हुआ। तो एशियन डेवलपमेंट का मुख्यालय कहाँ पर है? मनीला में है। इस फिलीपींस में स्टैब्लिश इस एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अपने विकासशील सदस्य देशों के लिए एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी, इस एपेक्स का नाम है एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी, इसकी शुरुआत, एक पहल की शुरुआत की है बैंक ने, इस एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी के अंतर्गत 9 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि आवंटित करी है, इतने पैसे को हम लगाएंगे। ठीक, इसके बाद यूनाइटेड स्टेट इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियनशिप अवार्ड, ये जो यूनाइटेड स्टेट इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियंस अवार्ड है, यह भारत की मतलब पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के मुद्दों पर काम करने वाली एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता जिनका नाम है अंजलि भारद्वाज, इनको दिया गया यूनाइटेड स्टेट इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियंस अवार्ड। ठीक, याद रखना, यूनाइटेड स्टेट एंड इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियंस अवार्ड अंजलि भारद्वाज को दिया गया उनकी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के मुद्दों पर काम करने की आदत के चलते। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी? देखो, जब भी आप पढ़ोगे ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को, तो हमेशा आपको एक टर्म ट्रांसपेरेंसी में बताया जाता है इंफॉर्मेशन शेयरिंग। इंफॉर्मेशन शेयरिंग का मतलब होता है कोई चीज तब ट्रांसपेरेंट होती है, मैं कहूं कि मेरे, आप और मैं एक बॉन्डिंग में चल रहे हैं, और मैं और आपकी एक बॉन्डिंग के दौरान अगर पैसे का लेन देन हुआ, और आप मुझसे अगर उस पैसे, मैं हूँ, मैं ए मान लो, मैं ए मान लेता हूँ और आप सारे के सारे बी हो, मेरे और आपके बीच जब पैसे का ट्रांजेक्शन हो रहा होगा, तो हो सकता है आपके मन में मेरे प्रति कुछ डाउट आ जाए, तो ये ट्रांजेक्शन ट्रांसपेरेंट तब कहलाएगा जब मैं अपने पास अवेलेबल सारी इंफॉर्मेशन इतने अच्छे तरीके को से आपको पास कर दूं कि आप उसके एक एक शब्द को समझ जाएं, तो आप कहेंगे ये ट्रांसपेरेंसी चल रही है, ट्रांसपेरेंट है, एकदम ट्रांसपेरेंट है। और बहुत ऑब्वियस ही बात है, जब चीजें ट्रांसपेरेंट होंगी तो गवर्नेंस, शासन बहुत अच्छा चल रहा होगा, गवर्नेंस बहुत अच्छा चल रहा होगा, ईमानदारी, ऑनेस्टी चल रही होगी, करप्शन बहुत कम हो रहा होगा, और अगर ये सब चीजें हो रही होंगी तो अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेहिता भी सही तरीके से बनी रहेगी। तो ट्रांसपेरेंस का मतलब होता है इंफॉर्मेशन शेयरिंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए और इतनी इजिली होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हमारे देश में एक सिटीजन चार्टर के लिए बाध्यता तो नहीं करी गई, लेकिन सिटीजन चार्टर आपको कई जगह पर, जब भी आप तहसील पहुंचेंगे, गांव पहुंचेंगे, तो ब्लॉक लेवल पे या फिर तहसील लेवल पे सिटीजन चार्टर लगा रहता है,
लेकिन इतना क्लिष्ट है ये सिटीजन चार्टर कि इसको पढ़ने के बाद आदमी का दिमाग चक्रघन्नी की तरह घूमेगा कि सिटीजन चार्टर में लिखा क्या हुआ। जब आप सिटीजन चार्टर में लिखी हुई बातों को समझ नहीं पाएंगे तो उनको उनका एप्लीकेशन कैसे कर सकते हो। तो ऐसा कहा जाएगा कि इतना ट्रांसपेरेंसी तब होती है जब इतना सुचारू रूप से उस भाषा को लिख दिया जाए कि एक गांव देहात का व्यक्ति भी अगर उसको पढ़ ले कि अच्छा ओ अगर हमको EWS का सर्टिफिकेट बनवाना है तो यह कम से कम 15 दिन के अंदर बन जाना चाहिए, अगर नहीं बनता तो इसके लिए कौन सी अथॉरिटी जो रिड्रेस करेगी हमारे इस जो मेरे अंदर जो जो विवाद चल रहा है इसको रिड्रेस करने वाली कौन सी एक संस्था है, उसका नाम भी लिखा रहा है, किससे मिलना है उसका नाम भी लिखा रहा है। लेकिन क्लिष्ट इतना होता है कि चीजें समझ में आती नहीं है। तो भारत में भारतीय महिला सामाजिक कार्यकर्ता, इनका नाम है अंजलि भारद्वाज, इनको दिया गया यूनाइटेड स्टेट इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियंस अवार्ड, इनका नाम है अंजलि भारद्वाज। बाकी जो रामकथा लिखी हुई है ये जो मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको बोला ये सब रामकथा आपको यहाँ पर जरूर दिख जाएगी। ठीक, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट रिसेंटली आई जो कि यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा निकाली जाने वाली एक रिपोर्ट है। इस वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अंतर्गत हम लोग हर साल 20 मार्च को वर्ल्ड हैप्पीनेस डे मनाते हैं। मैं हमेशा चिल्लाता रहता हूँ 3 डे हमेशा याद रखो, 20 मार्च को वर्ल्ड हैप्पीनेस डे, 21 मार्च को वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे पानी वाला दिवस, जल दिवस, आज ब्लू है पानी पानी तो जल दिवस याद रखो, 20 मार्च, 21 मार्च, 22 मार्च। तो ये जो 20 मार्च को हैप्पीनेस डे बनता है इससे एक दिन पहले 19 मार्च को इसके द्वारा, कौन किसके द्वारा, यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को जारी कर दिया गया, जिसमें फिनलैंड ने लगातार फिनलैंड के द्वारा एक बार पुनः पहली रैंक हासिल कर ली गई। ठीक, इस रिपोर्ट के अनुसार फिनलैंड ने लगातार चौथे साल पहली रैंक हासिल करी, दूसरे स्थान पर डेनमार्क है, तीसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड है, जबकि इस पूरे सूची के दौरान सबसे आखिरी स्थान पर अफगानिस्तान है। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने गोल्डन क्रेसेंट में, ध्यान रखना गोल्डन क्रेसेंट में, थोड़ी देर पहले मैंने अफगानिस्तान की चर्चा करी आपसे, अगर आप मुझे अभी बता पाओ तो मैं ये जानने की कोशिश करना चाहता हूँ, कमेंट करो कि गोल्डन क्रेसेंट में कौन कौन से देश आते हैं, गोल्डन क्रेसेंट में कौन कौन से देश आते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने आपको पढ़ा हुआ है कि गोल्डन क्रेसेंट में यह देश आते हैं, तो मुझे कमेंट करो गोल्डन क्रेसेंट में कौन कौन से देश आते हैं, कमेंट करो, मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि आपका आंसर बहुत तेज आना चाहिए। गोल्डन क्रेसेंट में कौन कौन से देश आते हैं, गोल्डन क्रेसेंट में कौन कौन से देश आते हैं, मुझे नाम बताओ उनके, क्योंकि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले गोल्डन क्रेसेंट करवाया हुआ है, कौन कौन से देश गोल्डन क्रेसेंट में आएंगे मुझे बताओ। अनिश यादव वेरी गुड, ईरान पाक अफगानिस्तान, पाकिस्तान अफगानिस्तान ईरान, ईरान अफगानिस्तान पाकिस्तान, ईरान अफगानिस्तान पाकिस्तान, ईरान अफगानिस्तान पाकिस्तान, पाकिस्तान अफगानिस्तान ईरान, API अफगानिस्तान पाकिस्तान ईरान, पाकिस्तान अफगानिस्तान ईरान, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ईरान अफगानिस्तान पाकिस्तान, ईरान अफगानिस्तान पाकिस्तान, कौन है इराक को ही बोल रहा है ये, कौन है बेटा, अंशुमान मिश्रा, मैंने इराक नहीं बोला, मैंने ईरान अफगानिस्तान पाकिस्तान बोला, इराक अपने मन से मत लगाओ, ईरान अफगानिस्तान पाकिस्तान, ठीक है ठीक है। ओमान कहाँ से आ गया, कार्तिकेय यादव, कुवैत, बहरीन, UAE, ओमान, कतर, सऊदी अरबिया, दे ऑल आर इन गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, इनका गोल्डन क्रेसेंट से कोई संबंध नहीं है। ठीक, अफगानिस्तान ईरान और पाकिस्तान, अफगानिस्तान ईरान और पाकिस्तान, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, गोल्डन ट्रायंगल में म्यांमार, बर्मा, वियतनाम, बहुत बढ़िया, पाक अफगानिस्तान, ठीक है। देखो कोशिश करा करो, जब टीचर क्वेश्चन पूछे तो पार्टिसिपेशन रखो, अब 130 लोग ऑनलाइन लाइव बैठे हैं और अभी तक मुझे लग रहा है 100 लोगों ने भी नहीं इसका कमेंट किया, आप इंटरनेट का प्रयोग कर रहे हो तो इसको जरूर लिखो, जब टीचर कुछ बोलना होता है तो आपको इसे जरूर लिखना चाहिए, आप लिखोगे तो आसान रहेगा, नहीं लिखोगे तो हमेशा मैं कहानी सुना रहा होता हूँ और मैं फिर से सुना देता हूँ ताकि आपका मन थोड़ा सा लगा रहे, बंधा रहे, तो एक और ये मैं कई बार रिपीटेड मोड में सुना रहा होता हूँ, मुझे लगता है कि आपके लिए एक मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रिपरेशन के दौरान जो सबसे ज़्यादा जरूरी है वो है आपका मोटिवेशन, इस प्रिपरेशन के दौरान जो सबसे ज़्यादा जरूरी है वो है आपका मोटिवेशन, चाहे आप स्टेट लेवल के PSC की तैयारी करो, चाहे आप UPSC की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप मतलब खासकर इन दो एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हो तो आपको मोटिवेटेड रहना बहुत आवश्यक है। तो मैं हमेशा कहानी सुना रहा होता हूँ कि जो एक पापा के द्वारा एक पेंटिंग को बेच के और घर में पैसा कमाया जाता था, लेकिन पिताजी की आंखें क्योंकि कमजोर पड़ गई, हाथ हिलने लगे, तो वह अपनी पेंटिंग जो कि 500 रुपये में बेचा करते थे
इसको बेचकर अब पैसा नहीं कमा पा रहे थे, तो उन्होंने अपने बेटे को बुलाया, बोला देखो बेटा इधर आओ, देखो मैं तो हो गया बूढ़ा और मेरी उम्र हो रही है 60 साल की, मेरे हाथ कांप रहे हैं, ऐसा करो मैं तुमको अपना हुनर देता हूँ और इस हुनर का तुम प्रयोग करना, मार्केट जाना और मार्केट जाके ये पेंटिंग बेच कर आना, तुम फिर परिवार का पेट भरना। तो बच्चे ने कहा ठीक है पिताजी, ऐसा करो अपना हुनर दे दो। पिताजी ने सिखाना शुरू किया, पिताजी ने सिखाना शुरू किया, तो बच्चे के द्वारा पेंटिंग को जब पहले दिन मार्केट में जाके बेचा गया, तो जहां पर पिताजी की पेंटिंग 500 रुपये में बिक रही थी, वहां बेटे की पेंटिंग सिर्फ 100 रुपये में बिकी। बेटा परेशान घर लौटा, बोला आपने मुझे सिखाया सही तरीके से नहीं है, फिर से सिखाओ, फिर से सिखाओ, फिर से सिखाओ, फिर से सिखाओ। तो पिताजी ने फिर से सिखा दिया, बच्चे ने फिर सीखा, फिर 3-4 दिन बाद पेंटिंग की कीमत हो गई 200 रुपये। फिर वापस आया हाथ पाँव मारते हुए कि कुछ तो जो छिपा रहे हो, अपना हुनर नहीं देना चाहते हो, हुनर दो तो मैं पेंटिंग को बेच लूँ। पिताजी ने फिर से सिखाया, फिर से वापस लौट गया तो पेंटिंग की कीमत हो गई 300 रुपये। फिर वापस आया, पापा से लड़ रहा है कि अपनी तो 500 में बेच ले रहे थे और मुझको नहीं सिखा रहे हो, मेरी पेंटिंग 100 रुपये 200 रुपये बिक रही है, अरे सिखाओ मुझे भी बेचना है 500 रुपये में। पापा ने फिर से सिखाया, अब की बार जब मार्केट गया और वहां से लौट के आया तो बहुत प्रसन्न मुद्रा में पापा ने पूछा कितने की बिकी, तो बेटा एकदम हंसा, कुटिल हंसी, जिसे कहते हैं हम लोग स्मार्क स्माइल, एक होती है स्माइल एक होती है स्मार्क, स्मर्की स्माइल, मतलब जैसे हम लोग कहते हैं कुटिल हंसी, तो कुटिल रूप से हंसा और हंसते हुए बोला 700 रुपये, 700 की बेच के आया हूँ, मजा आ गए 500 में बेचते आए आज तक। पापा ने कहा आओ अब मैं तुम्हें सिखाता हूँ 1000 की कैसे बेचा जाए। तो उस बच्चे ने कहा कि जब मैंने खुद 700 की बेच ली, आप तो 500 की बेचते थे, तो ये 1000 की बेचने के लिए कौन सी बड़ी बात है, मैं 1000 की तो बेच ही लूंगा। तो उसके पिताजी ने अपने बेटे को रोकते हुए बोला कि देखो बेटा रुको, तुम गलती कर रहे हो, मैं अपनी कहानी तुम्हें सुनाता हूँ, तुम सुनो। तो बच्चे ने कहा सुनाओ। तो पापा ने बोला इसके कि जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मेरे पापा ने मुझसे कहा कि आओ पेंटिंग को तुम बनाओ और अपने परिवार का पेट भरो। उस वक्त मेरे पिताजी की पेंटिंग कीमत थी 300 रुपये और उन्होंने जब मुझे सिखाया तो मैंने भी तुम्हारी तरह सीखने की ललक बहुत रखी, लेकिन जिस दिन मेरी पेंटिंग कीमत 500 रुपये पहुंच गई, जो कि मेरे पिता की 300 रुपये कीमत से बहुत ज्यादा थी, तो मेरे पिता ने मुझसे कहा था कि आओ अब मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि पेंटिंग को 700 की कैसे बेचा जाए। तो मैंने वही जवाब अपने पिता को दिया जो तुम मुझे आज दे रहे हो कि जब मैंने खुद 500 की बेच ली तो मैं 700 की तो बेच ही लूंगा। और वह दिन था और आज मैं 60 साल से ऊपर होने वाला हूँ और हाथ कांपते हैं मेरे, लेकिन मेरी पेंटिंग कीमत आज भी 500 रुपये से ऊपर हो नहीं पाई। ऐसा एक सीधा सा इस मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, क्या सिखाने के प्रयास में हूँ मैं तुमको, मैं ये सिखाने के प्रयास में हूँ, देखो गुरु हमेशा गुरु रह जाता है, शिष्य हो सकता है गुरु, ऐसा कहते हैं लोग गुरु गुड़ हो जाता है और शिष्य चीनी हो जाता है, शिष्य में घुलने की क्षमता ज़्यादा होती है, गुरु जल्दी नहीं घुल पाते हैं, लेकिन गुरु हमेशा गुरु रहेगा। अगर आप किसी को फॉलो कर रहे हैं और अगर वह आपसे कह रहा है कि देखो कमेंट करना इंपॉर्टेंट है, तो करो, उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। कई ऐसे लोग सफल हो गए जो लगातार टीचर को फॉलो करते रहे और सफलता की ओर चलते चले गए, बजाय इसके कि उनकी नॉलेज इतनी अच्छी नहीं होगी, लेकिन हाँ सक्सेस रेट उनका बहुत हाई है। उसका एक ही कारण है कि जो उनसे कहा गया कि देखो बेटा ये पढ़ लो, तो उन्होंने आंख मूंद के उसे कई बार पढ़ डाला, ये भी नहीं सोचा कि क्या कर रहे हैं। दुनिया भर के रिसोर्सेज की तरफ भागे नहीं कि हिंदू भी पढ़ेंगे, इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ेंगे, दैनिक जागरण भी पढ़ेंगे, एक तो हिंदुस्तान टाइम्स भी पढ़ लेंगे, 2-4 किताबें और पढ़ लेंगे, नितिन सिंघानिया भी पढ़ लेंगे, NCERT भी पढ़ लेंगे, 2-4 टेक्स्ट बुक और पढ़ लेंगे। फाइनली क्या होता है कि आप बिखर रहे होते हो और आप फाइनली अपने आउटकम को 100% नहीं रख पाते हो। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हुनर सीखने के लिए जो ललक है, उस ललक को कभी मरने मत दो, कंटिन्यूटी में रहो, कंसिस्टेंट रहो। सिलेक्शन के लिए ईश्वर वाले का अगर साथ, ईश्वर का अगर साथ रहेगा, अगर ईश्वर वाला मेहरबान हल्का से भी हो गया, तो सिलेक्शन बहुत तेजी में लेकर जाओगे। हाँ, इसकी मेहरबानी कभी कभी इंपॉर्टेंट हो जाती है, वरना आप मेहनत अपनी तरफ से रखो, कंटिन्यूटी में पढ़ो, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ो, नोट्स बनाओ अगर बन पाए, चीज़ों को समराइज करो, समराइज करने के साथ साथ उनको कॉन्साइज करो, कॉन्साइज करने के साथ साथ रिविजन करो, ये 3 चीज़ें हमेशा करो। रिवाइज जितना कर लोगे उतना ज़्यादा चीज़ें याद रहेंगी, जितना रिविजन करो, जितनी बार कर पाओ, जितनी बार याद कर पाओ कि यहाँ बुद्ध की 4 काउंसिल हुई थी, राम वाली पीली कोठी, राम वाली पीली कोठी, अच्छा पहली यहाँ पर हुई थी राम वाली राजगृह में हुई, दूसरी वैशाली में हुई, तीसरी पाटलिपुत्र में हुई, चौथी यहाँ पे कुंडल वन में हुई, इसको जितनी बार रिवाइज कर पाओ, जितनी बार बोल पाओ उतनी बार बोलो कि हाँ तीसरी वाली में मोगली पुत्र तिस थे, ये नाम जो मैं बहुत ईजिली बोल रहा हूँ, मोगली पुत्र तिस, मक्खली गोसाल, ये नाम जो मैं बहुत ईजिली बोल रहा हूँ, वह आपके बोलने में पहली बार बहुत कठिनाई होगी, मक्खली गोसाल, दूसरी बार मक्खली गोसाल, तीसरी बार मक्खली गोसाल, चौथी बार मक्खली गोसाल, गोसला पुत्र मक्खली, 5वीं 6वीं बार आते आते आपके चेहरे पर भी वह स्माइल होगी जब आप बोल रहे होगे मक्खली गोसाल, क्योंकि आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट हो गई। बहुत सारी आप चीज़ों ने आपने अपने चीज़ों को बहुत बार बोल के आपने अपने दिमाग को बोल रखा है कि मक्खली गोसाल का नाम इस प्रकार से हमको बोलना। इसलिए चीज़ों को बार बार रिवाइज करो,
बार बार बोला करो, जितनी बार बोलोगे शीशे के सामने खड़े होकर जितनी बार अपने आप को समझा पाओ समझाया करो कि देखो भारत के राष्ट्रपति का इम्पीचमेंट आर्टिकल 61 के अंतर्गत दिया हुआ है, जहां पे लिखा हुआ है वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑन द बेसिस ऑफ वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इम्पीच्ड, व्हाट इज वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप फिर वहां बोलो कि वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नो वेयर डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में संविधान के उल्लंघन के बारे में चर्चा कहीं पर भी नहीं करी गई, इसका प्रोसेस देखो ऐसे ऐसे है, अपने भाई को बैठा लो उसको पढ़ाओ, ये देखो ये प्रोसेस है। तो इससे क्या होगा कि रिवीजन मोड में आप चलते रहोगे, और आप जब जितना आप बोलते चले जाओगे, जितनी बार बोलते चले जाओगे उतनी बार चीजें शार्प होती चली जाएंगी, और जितना शार्प होते चले जाओगे उतना चीजें आसान होती चली जाएंगी। ठीक, ये मैंने कोई भी आपको पकाने के लिए लेक्चर नहीं दिया, जनरली मैं ये लेक्चर नहीं दे रहा होता हूँ, मेरा विश्वास है कि मैं पढ़ाने पर ज्यादा फोकस रहता हूँ, बहुत तेज चीजें खत्म करता रहता हूँ, लेकिन आप ध्यान रखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक वर्ड आ गया सतत विकास, सस्टेनेबल, तो आपके दिमाग में सतत विकास होता क्या है, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसका मतलब तो है सस्टेन कर जाए ऐसा डेवलपमेंट जो सस्टेन करे, और सस्टेन कब तक करे, ऐसा डेवलपमेंट जो सस्टेनेबल हो किसके लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए, जो भविष्य की जनरेशन है उसके लिए, अगर वो सस्टेनेबल होगा तो इसे हम कहेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। फ्यूचर जनरेशन का मतलब हमारी आने वाली जो जनरेशन, आगे आने वाली जनरेशन, हमारे जो बच्चे होंगे, अगर हम साफ पानी पी पा रहे हैं वह भी वह साफ पानी का प्रयोग कर पाए, शायद यही कारण है कि क्लीन वाटर की बातें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंतर्गत की गई 6 नंबर में, SDG 6। तो ये मैंने कई बार पढ़ाया हुआ है, आपने पढ़ रखा होगा तो आपको आसान रहेगा। ठीक, तो हम वापस लौट रहे हैं अपनी चीजों पे, ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, 20 मार्च को हम लोग वर्ल्ड हैप्पीनेस डे मनाते हैं, यह रिपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा निकाली गई, इसमें पहली रैंक पे फिनलैंड है, 4 साल से लगातार टॉप कर रहा है, दूसरी रैंक पे डेनमार्क है, जबकि सबसे आखिरी रैंक पे अफगानिस्तान है, यहीं पर मैंने आपको बताया गोल्डन क्रिसेंट में अफगानिस्तान पाकिस्तान ईरान आते हैं। ये याद रखो कि भारत की रैंकिंग कितनी है, 139 रैंक पे भारत है। ठीक, भारत 139 रैंक पे है। ठीक, आगे चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं। सर हाउ कैन आई ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप? सौरभ, व्हाट्सएप ग्रुप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? यू आर अ वेरी गुड क्वेश्चन, ये आप मुझे पिंग कर दो ना, 6396743810 पे मुझे पिंग कर देना, मैं सर को मैसेज भेज दूंगा, वो आपको विद्या वाले में अगर आप इनरोल होगे तो आपको जोड़ लेंगे। ठीक, व्हाट इज ग्राम उजाला योजना? ये ग्राम उजाला योजना क्या है? देखो ग्राम उजाला योजना क्या चीज है, ये बिजली और नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री, बिजली और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह ने वाराणसी में ग्राम उजाला योजना को लॉन्च किया। ये ग्राम उजाला योजना के अंतर्गत क्या कर रहे हो, 10 रुपए में ग्रामीण क्षेत्रों में दुनिया का सबसे सस्ता एलईडी बल्ब प्रदान करना। इस योजना को कार्बन क्रेडिट के आधार पर वित्त पोषित किया जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र के स्वच्छ विकास तंत्र यूनाइटेड नेशंस क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के तहत कार्बन क्रेडिट का दावा करेगी। इस योजना जिसका नाम है ग्राम उजाला योजना, इसका पहला फेज बिहार के आरा जिले से शुरू किया गया था। यह किसी भी सरकारी सहायता या सब्सिडी के साथ नहीं आता है। इस चरण के तहत आरा, विजयवाड़ा, वाराणसी, नागपुर और पश्चिमी गुजरात के गांव में 15 मिलियन एलईडी बल्ब वितरित किए जाएंगे। चरण एक के तहत लगभग इतने इतने कुछ हुआ। ध्यान रखो ये ग्राम उजाला योजना का पहला फेज बिहार आरा से स्टार्ट हुआ, और जैसे ही मैं बोलूं बिहार आरा तो आपको बिहार आरा निकलते ही वीर कुंवर सिंह का नाम चमकना चाहिए। जैसे ही मैंने बोला वाराणसी, आपके दिमाग में वाराणसी के नाम आते ही काशी महाजनपद का नाम चमकना चाहिए। जैसे मैं बोलूं काशी महाजनपद, आपके दिमाग में तुरंत बिंबिसार चमकना चाहिए। ये जो बिंबिसार था इसकी शादी हुई किसके साथ हुई? इसकी शादी कोसल महाजनपद की महाकोसला के साथ हुई। यह महाकोसला या फिर कोसला देवी प्रसेनजीत की बहन है, बहनिया है। इस प्रसेनजीत के द्वारा अपनी बहन की शादी जब बिंबिसार से की गई तो मगध को काशी दहेज में दे दिया गया। तो जब ये शब्द आए तो आपके दिमाग में ये सब चीजें जरूर चलनी चाहिए कि हाँ यार ये यहाँ से कनेक्ट हो रहा है, ये हम कनेक्ट करके जा रहे हैं, कनेक्ट चलती जा रही है, चीजें कनेक्ट हो रही हैं। तो ग्राम उजाला योजना में याद हो गया कि पहला फेज बिहार आरा से स्टार्ट हुआ, और इस फेज के अंतर्गत अभी हाल में 24 मार्च 2021 को वाराणसी में ग्राम उजाला योजना लॉन्च की गई, जिसके द्वारा लक्ष्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 10 रुपया में एलईडी प्रोवाइड करा देना, लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक, इसे प्रोवाइड कराना। व्हाट इज वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट? वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 अभी हाल में आई। ये वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाई स्विस ऑर्गेनाइजेशन आईक्यू एयर मेंशंस दैट 22 ऑफ द टॉप 30 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज ग्लोबली आर इन इंडिया। 22-30 जो टॉप 30 पॉल्यूटेड सिटी हैं, शहर हैं जो प्रदूषण प्रदूषण युक्त शहर हैं, उन टॉप 30 में 22 तो भारत से बिलोंग करते हैं,
तो ये वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट किसके द्वारा निकाली जाती है? हो सकता है आपसे लिख दे, ये वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट निकाली जाती है ए ऑप्शन यूएनईपी के द्वारा, बी ऑप्शन आईयूसीएन के द्वारा, सी ऑप्शन वर्ल्ड बैंक के द्वारा, डी ऑप्शन स्विस ऑर्गेनाइजेशन आईक्यूईआर के द्वारा। कंफ्यूज मत होना, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट उन किसी संस्था के द्वारा नहीं निकाली जाती जिनको आप जानते हो। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट उन किसी संस्था के द्वारा नहीं निकाली जाती जिनको आप जानते हो। आप किसे जानते हो? आप आईएमएफ को जानते हो, वर्ल्ड बैंक को जानते हो, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को जानते हो, जितनी संस्थाएं जो आपको वीपो आपको याद रहती है, यूनिसेफ आपको याद है, यूनेस्को आपको याद है, इनके द्वारा नहीं निकाली जाती। किसके द्वारा निकाली जाती है? जो अननोन सी संस्था में नहीं पता, वो अननोन सी गंदी संस्था, कुछ गंदा सा नाम दिख रहा है मुझे, स्विस ऑर्गेनाइजेशन आईक्यूईआर। ठीक, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट की बातें करता है, जहां पर टॉप 30 में इसने बोला कि 22 सिटी तो भारत से बिलोंग करती हैं। होतन इन चाइना इज द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी विद एन एवरेज कंसेंट्रेशन ऑफ 112, इतना इतना, फॉलोड बाई गाजियाबाद इन उत्तर प्रदेश एट 106। तो आपको याद रखना है गाजियाबाद सबसे टॉप पर है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में सबसे प्रदूषण वाला शहर है गाजियाबाद। ठीक, गाजियाबाद इज द सेकेंड मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन दी वर्ल्ड, फॉलोड बाई बुलंदशहर, जल 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 जलालपुर, भिवाड़ी, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, कानपुर और लखनऊ। ठीक, आगे चल। हो सकता है, जो कि संभावना है, ना मुझे लगता है और बहुत ज्यादा विश्वास, मेरा दृढ़ विश्वास है, परसिवेरेंस है मेरा, ये दृढ़ प्रतिज्ञा है कि 2030 डिजिटल कंपास क्या है, ये आईएएस के आपके पेपर में रखा होगा या पीसीएस के पेपर में आपके रखा होगा कि 2030 डिजिटल कंपास क्या चीज है। ये हाल ही में चर्चा में रहा, 2030 डिजिटल कंपास क्यों है न्यूज में, क्या है डिजिटल कंपास? तो याद रखना, ये 2030 जो डिजिटल कंपास है, ये यूरोपियन यूनियन के द्वारा 2030 डिजिटल कंपास एक योजना का इनॉग्रेशन कराया गया। इस योजना का क्या मेन उद्देश्य है? इस यूरोपियन संघ के द्वारा इस दशक, ये जो दशक, ये जो डिकेड चल रहा है, इसके अंत तक अत्याधुनिक सेमीकंडक्टर के वैश्विक उत्पादन के तकरीबन 20% अथवा पांचवें हिस्से का उत्पादन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है इस 2030 डिजिटल कंपास के अंतर्गत। क्या किया गया? यूरोपियन यूनियन ने कहा कि इस डिकेड के अंत तक हम जो एकदम मॉडर्नाइज सेमीकंडक्टर है उसके उत्पादन को 20% तक गेन कर लेंगे। ठीक, या फिर मैं कहूंगा पांचवें हिस्से का उत्पादन यूरोपियन यूनियन कर रही होगी, किसका? अत्याधुनिक सेमीकंडक्टर का। इसके अलावा इस योजना के अंतर्गत यूरोपियन यूनियन गैर यूरोपियन प्रौद्योगिकियों पर अपनी निर्भरता में कटौती के प्रयासों के द्वारा आगामी 5 वर्षों में अपना पहला क्वांटम कंप्यूटर बनाएगा। अपना पहला क्वांटम कंप्यूटर बनाने की बात भी 2030 डिजिटल कंपास में किसके द्वारा की गई? ईयू के द्वारा। क्वेश्चन तो ये भी बन सकता है, 2030 डिजिटल कंपास प्रोग्राम किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया, कौन इसको लॉन्च किया? लिख देगा ए ऑप्शन वर्ल्ड बैंक, बी ऑप्शन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, सी ऑप्शन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, डी ऑप्शन यूरोपियन यूनियन। इस तरीके से नाम लग सकता है, या फिर हो सकता है यूनाइटेड यूनाइटेड नेशंस, है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्थाओं के द्वारा। बी ऑप्शन लिख देगा यूरोपियन यूनियन, सी ऑप्शन रशिया की संस्था के द्वारा, डी ऑप्शन इनकी संस्था के द्वारा। याद रखना, यूरोपियन यूनियन का ये प्रोग्राम, इसका नाम है 2030 डिजिटल कंपास। ठीक, आपने नहीं पढ़ा तो आप नहीं मार सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। काला नमक चावल महोत्सव क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सिद्धार्थ नगर जिले में 3 दिन का यह महोत्सव, काला नमक चावल महोत्सव, ऑर्गेनाइज किया जा चुका है। 13 मार्च 2021 से शुरू यह उत्सव लखनऊ में जगमग महोत्सव की शानदार सफलता के बाद आयोजित किया गया। वन एक जनपद वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इस योजना के अंतर्गत काला नमक चावल महोत्सव कहाँ मनाया गया? सिद्धार्थ नगर में। सिद्धार्थ नगर कहाँ पर है? तो अगर आप देख पाओगे तो ये देखो आपको दिख रहा होगा, मैं पेन चेंज कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई आसानी से दे जाए। सिद्धार्थ नगर देखो आपको दिख रहा होगा, ये सिद्धार्थ नगर, सिद्धार्थ नगर, ये सिद्धार्थ नगर, सिद्धार्थ नगर, सिद्धार्थ नगर, कुछ और ले लें क्या हाईलाइटर? ये देखो, ये सिद्धार्थ नगर, अरे चल ही नहीं रहा हाईलाइटर, हाईलाइटर भी कह रहा हम नहीं चलेंगे, चला के देख लो। ये सिद्धार्थ नगर, ये देखो, ये मैं काला कर दे रहा हूँ, ये देखो, ये सिद्धार्थ नगर है, ये सिद्धार्थ नगर है। ठीक, इसको मैंने काला कर दिया, सिद्धार्थ नगर, ये दिख रहा होगा आपको, सिद्धार्थ नगर दिखा, ये देखो अम्बेडकर नगर, ये देखो अम्बेडकर नगर, ये दिख रहा है संत रविदास नगर, ये देखो ये सोनभद्र, ये सोनभद्र दिख रहा है। ठीक, ऐसी चीजों को पढ़ते रहा करो, थोड़ा सा आराम रहेगा आपको। कई बार आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं लेकिन आपको उत्तर प्रदेश के जिलों के नाम नहीं याद रहे। संत कबीर नगर कहाँ? देखो संत कबीर नगर, ये देखो संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर के नीचे संत कबीर नगर है, उसके नीचे अम्बेडकर नगर है। कई बार उत्तर से दक्षिण लगाने को पूछ देता ये, सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर, पूछ लेगा, परेशान रहते रहोगे। देखो ये दिख रहा है आपको बलिया, सबसे पूर्वी जिला बलिया,
है ना, बलिया देखा, बलिया 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 बलिया, देखो बलिया दिख रहा है बलिया, ठीक। ललितपुर वह स्थान जहां पर उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के भंडार, ऐसा बोलते हैं, यूरेनियम पाया जाता है, ठीक। ललितपुर, ललितपुर, ठीक, ये चीजें देखते रहा। और पीलीभीत वह जगह जहां पे फुलहर लेक है, और इस फुलहर लेक से ही गोमती नदी निकलती है, गोमती रिवर, ठीक, गोमती रिवर, ठीक। तो ऐसे मैप देखते रहा करो ताकि आपको चीजें बहुत आसानी से याद रहे। एनसीआर रीजन आपको दिखाई देगा तो आपको एनसीआर रीजन भी पता रहेगा कि अच्छा वो आगरा मथुरा आ रहा है, अच्छा अलीगढ़ दिख रहा है, बुलंदशहर दिख रहा है जी, गौतम बुद्ध नगर गाजियाबाद दिख रहा है, अच्छा वो दिख रहा, बागपत दिख रहा है हमको, तो ये याद रहेगा तो आपको थोड़ा आसानी रहेगी। मैप मैंने हमेशा बोला मैप खोल के थोड़ा पढ़ने की कोशिश किया करो। आगे चले, व्हाट इज एम्प्टी स्वर्ण क्रस्ट जहाज, ये एम्प्टी स्वर्ण क्रस्ट जहाज काहे चर्चा में है, क्या कारण है जो एम्प्टी स्वर्ण क्रस्ट जहाज को चर्चा में रखा गया, अभी थोड़ी देर में पता करते हैं क्या है एम्प्टी स्वर्ण क्रस्ट जहाज। तो एससीआई के इस जहाज का नाम है एमटी स्वर्ण कृष्ण। इसकी सभी महिला चालक दल ने एक इतिहास रचा, हिस्ट्री क्रिएट कर दी। ये विश्व समुद्री इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी जहाज को सभी महिला अधिकारियों की टीम के साथ यात्रा के लिए रवाना किया गया। ऐसा पहली बार हो रहा है कि इसको एमटी स्वर्ण कृष्ण जहाज को जब रवाना किया गया, इसमें जितने क्रू लोग हैं, जितने भी ऑफिसर क्रू मेंबर, सब सब महिला हैं, सारी की सारी महिलाएं हैं। और विश्व इतिहास में ये पहली बार हो रहा है कि किसी एक जहाज को ऐसे रवाना किया गया जिसमें सब महिलाएं हैं, एक भी पुरुष नहीं है। इसका मतलब वीमेन एम्पावरमेंट की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में बनेगा दुनिया का सबसे पहला प्लेटिपस अभयारण्य, ये जो प्लेटिपस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यह ऑस्ट्रेलिया में बनेगा। तो ये प्लेटिपस के रिप्रोडक्शन के लिए और उसके रिहेबिलिटेशन को बढ़ावा देने के लिए, उसके रिप्रोडक्शन और रिहेबिलिटेशन को बढ़ावा देने के लिए दुनिया के पहले अभयारण्य का निर्माण करने की अपनी योजना की घोषणा करी है। किसने करी है? ऑस्ट्रेलिया ने करी है कि वह प्लेटिपस का अपने तरीके का पहला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्रिएट करेगा, ठीक। प्लेटिपस क्या है तो याद रखना, प्लेटिपस और एचिडना यह दो इस तरह के मैमल हैं जो कि एग देते हैं। एग इनको, इनके में जैसे सामान्यतः जो मैमल होती है स्तनधारी होता है वह बच्चे के रूप में जन्म होता है, लेकिन ये प्लेटिपस और एचिडना ये दो इस तरह के मैमल हैं जो एग लाए करते हैं, एग देते हैं, ठीक, अंडे के रूप में जन्म होगा बच्चों का इनके, ध्यान रखना। पूछा जाता है कई बार, क्वेश्चन दो तरीके से बन सकता है कि बताइए प्लेटिपस अपने तरीके का ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कौन सा देश खोलने की बातें कर रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया, जबकि प्लेटिपस और एचिडना एग लाइंग मैमल्स हैं, मैमल्स हैं, स्तनधारी हैं, ध्यान रखना। कोनेरू हम्पी, ये पीछे आपको दिख रही होंगी, पीछे चमक रही होंगी, कोनेरू हम्पी हैं। इनको रैपिड फॉर्मेट का विश्व शतरंज चैंपियनशिप के लिए कोनेरू हम्पी को बीबीसी के द्वारा सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला खिलाड़ी का पुरस्कार इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया 2020 का, ठीक। इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 का किसको दिया गया? कोनेरू हम्पी। किस गेम के लिए? तो आप कहेंगे विश्व शतरंज चैंपियनशिप, फास्ट रैपिड फॉर्मेट शतरंज चैंपियनशिप का। थॉमस बैक, ये आपको थॉमस बैक पीछे दिखाई दे रहे, चमक रहे हैं, इनको री इलेक्ट कर लिया गया है एज इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का अध्यक्ष के रूप में, प्रेसिडेंट के रूप में 2025 तक, जब तक टोक्यो में, अभी 2023 2021 में टोक्यो में ओलंपिक होंगे, तो ये थॉमस बैक हैं जिन्हें इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया, इनका नाम है थॉमस बैक, ठीक। वेस्ट इंडीज के किरण पोलार्ड, इनके द्वारा हाल ही में T20 मैच में 6 छक्के लगाने का कारनामा किया गया। इसके साथ ही वे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 6 छक्के लगाने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए। इन्होंने श्रीलंका के अकीला धनंजय को पिटाई, इनकी कुटाई कर डाली है, ठीक। संयुक्त राष्ट्र महासभा, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 2023 को ईयर ऑफ इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। आपसे पूछ सकता है कि 2023 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा कौन सा इंटरनेशनल ईयर घोषित किया गया? तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में इसको बताया गया है। किसको? किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में घोषित किया गया। इस वर्ष को घोषित करने का संकल्प भारत के द्वारा ही लेकर आया गया था, भारत ये प्रस्ताव लेकर आया था कि 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया जाए। फाइनली ऐसा कर दिया गया। ध्यान रखना, डॉक्टर विनय रंजन सेन जो कि एक आईएएस अधिकारी हैं, इनके द्वारा एफएओ के महानिदेशक के रूप में 1956 से लेकर 67 में काम किया गया। वर्ष 2020 में नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाले विश्व खाद्य प्रोग्राम, जिसको नोबेल पीस प्राइज 2020 का मिला है, नोबेल पीस प्राइज 2020 का मिला है, इसका नाम है विश्व वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। इसको बनाने के पीछे जिस आदमी का नाम है, इस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के कॉन्सेप्ट को जन्म देने व्यक्ति का नाम है डॉक्टर विनय रंजन सेन, भारतीय आईएएस अधिकारी हैं, सिविल सेवा अधिकारी हैं डॉक्टर विनय रंजन सेन। इनके द्वारा ही वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एक कॉन्सेप्ट आया था जिसे 2020 में नोबेल पीस प्राइज मिला।
वर्ष 2016 को अंतर्राष्ट्रीय दलहन और 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किए जाने के भारत के प्रस्तावों को एफएओ के द्वारा समर्थित किया गया है। ध्यान आपको रखना है कि 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स बनाया जाएगा। भारत के द्वारा रेजोल्यूशन लेकर आया गया था और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को इस कॉन्सेप्ट को देने वाले व्यक्ति का नाम है विनय रंजन सेन। इनके ही भरसक प्रयासों के बाद 2020 में नोबेल पीस प्राइज मिला इस प्रोग्राम को, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। ठीक, याद रखना, भूलना मत। एफएओ इसका हेडक्वार्टर रोम में है, ठीक, इसमें भूलने की जरूरत नहीं है, भूलोगे वो नहीं। चीन ने अभी अपनी ख्वाहिश पैदा करी, मतलब ऐसा कर लिया उसने, चीन के द्वारा चांद पर अपना राष्ट्रीय झंडा, उसका नेशनल फ्लैग फहराने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया। इससे पहले अमेरिका ये कारनामा कर चुका है। अमेरिका के द्वारा 1969 में अपोलो मिशन के अंतर्गत वहां चांद पर झंडा फहराया गया। ये बात अलग है, बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी के साथ ऐसा हुआ, क्योंकि लोगों का कहना है कि अगर आप चांद पर पहुंचो और अपने किसी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पहुंचो चांद पर, तो आप चांद पर गर्लफ्रेंड के साथ पहुंचने के बाद उसे गाना नहीं सुना सकते, ओरे पिया नहीं सुना पाओगे। उसका कारण ये है, उसका कारण बहुत सिंपल सा है कि हम पृथ्वी मंडल, पृथ्वी अर्थ पे, हम प्लेनेट पे हैं, तो यहाँ पर जब हम बोल रहे हैं तो हमारे बोलने पर हमारे पास खड़े व्यक्ति को वह आवाज सुनाई देती है। उसका कारण है ट्रांसमिशन पार्टिकल्स के थ्रू हो रहा है। यहाँ पे टकराया, यहाँ पे टकराया, यहाँ पे टकराया, यहाँ पे टकराया, यहाँ पे टकराया। एटमोसफियर है ना, एटमोसफियर में गैसेस हैं, पार्टिकल हैं, इनसे होते होते चीजें हमारी मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंच रही हैं। लेकिन चंद्रमा पे क्या प्रॉब्लम है, चंद्रमा में वायुमंडल तो है ही नहीं, और क्योंकि वहां पे वायुमंडल है नहीं, इसलिए जो भी कुछ आप बोलते हो वह सुना ही नहीं देगा। ठीक, तो आप गाना नहीं सुना सकते। तो वो जब तस्वीर पड़ी तो वो मतलब ऐसा कहते हैं कि वो लहर खा रही थी, तो लोगों का कहना था एटमोसफेयर नहीं है, कहाँ से ऐसा हो रहा है। फिर चीन चांद पर अपना राष्ट्रीय झंडा फहराने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया। इससे पहले यह उपलब्धि संयुक्त राज्य अमेरिका के पास थी। 1969 में अपोलो मिशन के दौरान चंद्रमा पर अपना झंडा लगाने के बाद हासिल की गई उपलब्धि अमेरिका की थी। चीन का ये जो मिशन, इसका नाम है चेंग ई फाइव मिशन, या चेंज ही याद कर लो, ज्यादा अच्छा चेंज याद कर लो, ज्यादा अच्छा चेंज याद कर लो, याद करने में तरीका सही है। चेंग ई फाइव मिशन, इसके अंतर्गत झंडा फहराया है चीन ने, नेशनल फ्लैग अपना चंद्रमा पर फहरा दिया है। अगर ये चांद से चेंग ई फाइव मिशन वापस आ जाए, अगर ये वापस आ गया सफलतापूर्वक, तो चीन चंद्रमा से कुछ नमूने लेकर आने की कोशिश में है कि वहां से कुछ चीजें लेकर आए और फिर यहाँ पर नीचे आके उसकी स्टडी करे। तो याद रखना, अगर चीन से वह नमूने ले आता है सक्सेसफुली, तो ऐसा करने वाला वह तीसरा देश बन जाएगा, क्योंकि ऐसा करने वाले पहले देश का नाम अमेरिका है, दूसरे देश का नाम यूएसएसआर, सोवियत संघ है, जो कि अब टूट चुका है, तीसरा देश चीन कहलाएगा। ठीक, याद रखना, फिर से बोल रहा हूँ, नेशनल फ्लैग हॉइस्ट करने वाले देश में दूसरा स्थान है चीन का, यूएसएसआर का दूसरा स्थान नहीं है। लेकिन अगर वह चंद्रमा से चीजों जो नमूने लेकर आ रहा है, अगर वह पृथ्वी पर पहुंच गया, तो ऐसा करने वाला चीन तीसरा देश बन जाएगा। इसको ध्यान रखना, आईएस जरूर तोड़ने की कोशिश करेगा परेशान करने के लिए, कि बच्चा फंसेगा। आत्मनिर्भर भारत में योगदान, कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत, 9 जनवरी 2021 को मनाया गया हमारा प्रवासी भारतीय दिवस, एनआरआई डे। भारत में गांधी जी के 9 जनवरी 1915 में आने के उपलक्ष्य में 2003 से हम लोग एनआरआई डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एल एम सिंघवी रिपोर्ट। एल एम सिंघवी की रिपोर्ट के आधार पर एल एम सिंघवी ने रिकमेंड किया कि गांधी जी के भारत में 9 जनवरी 1915 के आने के उपलक्ष्य में 9 जनवरी के डेट के दिन हम लोग एनआरआई डे, प्रवासी दिवस मनाएं। तो 2003 से हम लोग प्रवासी दिवस कंटिन्यूअसली मना रहे हैं। तो 9 जनवरी 2021 को जो 16वां प्रवासी दिवस मनाया गया, वर्चुअल रूप में मनाया गया, वर्चुअली का मतलब वर्चुअली ऑन इंटरनेट, इस वर्चुअली रूप में बनाए गए इस प्रवासी भारत दिवस की थीम क्या थी? तो इसकी थीम है कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत, कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत, यही कोई लिखा होगा, आत्मनिर्भर भारत में योगदान। ठीक, ए ऑप्शन। आगे चल रहे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो आपको आना चाहिए, गॉडेस ऑफ मून चेंगी मीन्स गॉडेस ऑफ, श्रेयस गुप्ता जी, वेरी गुड, चेंग ई मून्स मीन्स इसका मतलब होता है गॉडेस ऑफ मून, बहुत बढ़िया, अच्छा है, इट इज गुड। कोई तीन बिरले पुरुष जिनको ये नहीं भाया कि हम करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, वो आए और कूद फांद के डिसलाइक मार के चले गए। तीन बिरले हैं वो, इनको पढ़ने से संबंधी, इन्हें पढ़ने से कोई मतलब नहीं, इन्हें पढ़ने से कोई लेना देना है ही नहीं, मतलब इसका विश्वास करो, इन्हें पढ़ने से कोई लेना नहीं है। पढ़ने से लेना देना होता तो वो पढ़ते और रुक के देखते कि आखिर ये जो मास्टर बोल रहा है वो बोलने के प्रयास में क्या है, क्या कहना चाह रहा है।
इनको पढ़ने से कोई मतलब नहीं, आए इन्होंने देखा कि अच्छा वो पढ़ा रहे हैं, नहीं हमें तो वो वाले सर अच्छे लगते हैं, ये अच्छे नहीं लगते, हम तो डिसलाइक मारेंगे। आप दूसरे को डिस्करेज मत करो, आपको अच्छा नहीं लगता, ऐसे ऐसा मेरे साथ भी होता होगा कि मैं कई लोगों को देखता हूँ और मुझे वो पसंद नहीं है। आप जब ऑफिसर बनोगे तो ऐसा कई बार होगा कि हो सकता है सामने खड़ा हुआ व्यक्ति जो आपका मंत्री है और वो आपको फूटी आंख नहीं समा रहा, तो क्या करोगे? वहां डिसलाइक वाला ऑप्शन तो नहीं होगा कि यहाँ ऐसे कर रहे हैं, किसी के सामने कर रहे ऐसे, तो वहीं सस्पेंशन मारेगा उठा के, पता नहीं कहाँ भाग के उधर होगा जाके। तो इसे कहते हैं धैर्यवान होना। मुझे भी कई लोग नहीं अच्छे लगते होंगे, तो मैं थोड़ी ना वहां पे अपना रोष प्रकट करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। नहीं अच्छे लगते हैं तो न्यूट्रल रहना बहुत जरूरी है। आप एज एन ऑफिसर आपको न्यूट्रल होना बहुत आवश्यक होगा, आप न्यूट्रल रहोगे हमेशा। हाँ, जो भी आप कह रहे हो हे पिता, हे परमपिता हमारे नेतागण, जो भी आप बोल रहे हैं वह सत्य है, सत्य के करीब है, सत्य के बिल्कुल एकदम सत्य पे उतरा हुआ है, यही होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी सही नहीं है, यही सत्य है। क्योंकि आपको हमेशा न्यूट्रल होना पड़ेगा, आपको हमेशा इम्पार्शियल होना पड़ेगा, आप पार्शियल भी नहीं हो पाओगे, ये सब नॉन पार्टीशनशिप होगा, आपको ये सब चीजें ध्यान देनी होगी। तो PSLV C51, इसकी चर्चा मैंने आपको बजट पढ़ाते टाइम भी जरूर करी है। PSLV, अरे पोलर सैटेलाइट, क्या लिख रहा हूँ, PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, PSLV C51, ये मैंने आपको, मैंने बजट में भी आपको पढ़ाया हुआ है कि इसको लॉन्च किया गया, बहुत सफलतापूर्वक जनवरी में लॉन्च कर दिया गया। ये PSLV की 53वीं उड़ान थी, और इसके साथ ही इसरो की जो ये कमर्शियल ब्रांच है, इसका नाम है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, इसका ये पहला मिशन था। ठीक, तो PSLV C51 न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का पहला मिशन था। इस मिशन का जो प्रक्षेपण है ये अमेरिका की मिशन प्रबंधन प्रदाता स्पेस लाइट इंक के तहत किया जा रहा है। याद रखना, जो यहाँ पर सैटेलाइट भेजे गए हैं उन सैटेलाइट में 19 सैटेलाइट ब्राजील के ऑप्टिकल पृथ्वी प्रक्षेपण उपग्रह अमेजोनिया प्रथम तथा 18 अन्य उपग्रह, भारत के 5, अमेरिका के 13, इत्यादि इत्यादि। याद रखो, आपसे पूछा जा रहा है कि अमेजोनिया, अमेजोनिया फर्स्ट ये किसके द्वारा भेजा गया, तो आप बोलेंगे ब्राजील का सैटेलाइट PSLV C51 के द्वारा भेजा गया। ये 53वीं इसकी फ्लाइट है, ध्यान रखना है 53वीं, इसका मतलब दो असफल हुई है। ठीक, 53वीं फ्लाइट है, दो असफल हुई है। तो भारत के द्वारा जो सैटेलाइट भेजे गए उसमें एक सैटेलाइट का नाम आपका रखना है सिंधु नेत्र। ये सिंधु नेत्र DRDO के द्वारा बनाया गया, सिंधु नेत्र ये DRDO के द्वारा बनाया गया है। सिंधु मतलब हमारे हिंद महासागर पे रख रखाव करने के लिए सिंधु नेत्र। और इसके अलावा नरेंद्र मोदी जी की एक तस्वीर उकेरी गई है, इस पैनल को भी भेजा गया है। और एक एसडी कार्ड में सुरक्षित एक एसडी कार्ड में भगवद गीता को भी भेजा गया। ठीक, ध्यान रखना, ये स्टेटमेंट के फॉर्म में जब हो सकता है आपके सामने पड़ जाए तो आप परेशान हो जाओ। सिंधु नेत्र DRDO ने बनाया हुआ है, सिंधु नेत्र DRDO के द्वारा बनाया गया है। एक पैनल पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर उकेरी गई है और एक एसडी कार्ड भेजा गया है। इसके अलावा अमेजोनिया के साथ मिलकर कुल 18 उपग्रह, मतलब टोटल 19 उपग्रह भेजे गए, जिनमें एक ब्राजील का है, बाकी 18 अन्य हैं, उसके अलावा भारत के 5 हैं, अमेरिका के 13 हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो। ठीक, आगे चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं। हे प्रभु, टेनिस में जापान की नाओमी ओसाका, बच्चे खुश हो रहे हैं, खैर कुछ ही बोलते रहते हैं। टेनिस में जापान की नाओमी ओसाका, इनके द्वारा February 20, 2021 को ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस 2021 के महिला मतलब विमेंस कैटेगरी में अमेरिकी जेनिफर ब्रेंडा को हराकर, जेनिफर ब्रेंडी होना चाहिए, अच्छा ब्रेंडी है, जेनिफर ब्रेडी को हराकर अपना चौथा ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया गया। तो ग्रैंड स्लैम फोर्थ नंबर का जापान की नाओमी ओसाका ने जीता, कौन सा, ऑस्ट्रेलियन ओपन फाइनल। ठीक, याद रखना ऑस्ट्रेलियन ओपन की विनर कौन है, अगर मैं महिला वर्ग की बात करूं तो आप बोलेंगे नाओमी ओसाका, कहाँ की है, जापान की है। जबकि अगर मेंस की बात की जाए तो पुरुषों के एकल फाइनल में नोवाक जोकोविच, इनके द्वारा ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता गया, नोवाक जोकोविच। ठीक, दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन आप सर्बिया के नोवाक जोकोविच का नाम सर्च करेंगे तो आपको दिख जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का जो सेकेंड संस्करण होने वाला है यह कर्नाटक में आयोजित किया जाएगा, कर्नाटक में आयोजित किया जाएगा। याद रखना, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का सेकेंड नंबर है, कहाँ पे हो रहा है, कर्नाटक में होने वाला है। ठीक, याद रखना, भूलना मत। ये आपको दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है ऋषभ पंत, इन्हें ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी माह का इनको दिया गया है, फरवरी माह का आर अश्विन को दिया गया है। तो जनवरी मंथ का ऋषभ पंत को दिया गया है ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ, ठीक, फरवरी माह का आर अश्विन को दिया गया है।
ये आपको दिखाई दे रहा है कि म्यांमार में सेना के द्वारा देश पर नियंत्रण स्थापित कर लिया गया। यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये नहीं कि म्यांमार में क्या हुआ, इम्पोर्टेंट म्यांमार की लोकेशन भले ही है, आपको म्यांमार की लोकेशन याद रखनी है कि म्यांमार भारत में जो ये जो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम को तो टच कर ही रहा है, इसी साथ में बांग्लादेश को टच कर रहा है, इसी साथ में लाओस को टच कर रहा है, चाइना को दिख रहा है आपको, थाईलैंड को टच होता हुआ दिख रहा है, वियतनाम को टच नहीं कर रहा है। ध्यान रखना, कई बार इस प्रकार से आपको लोकेशन पे फेलने की कोशिश की जाएगी, तो म्यांमार की लोकेशन एक बार जरूर नजर डाल लो, जिसमें आपको दिखाई दे रहा है कि वियतनाम के साथ म्यांमार का टच नहीं हो रहा। इसी के साथ आपको एक लाओस दिखाई दे रहा है, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था गोल्डन ट्रायंगल में लाओस आता है, तो गोल्डन ट्रायंगल के अंतर्गत ये जो लाओस है यह लैंड लॉक्ड कंट्री है। लैंड लॉक का मतलब इसके साउथ में थाईलैंड है, नॉर्थ में वियतनाम है, नॉर्थ वेस्ट में चाइना है, वेस्ट में म्यांमार है, इवन इधर देख रहे हो तो आपको कंबोडिया, कंपोचिया भी दिख रहा है, तो इसकी बॉर्डर देख रहे हो, कई सारे देश इससे बॉर्डर कर रहे हैं। याद रखना, लाओस लैंड लॉक्ड कंट्री है, पूछा जाने वाला प्रश्न है, पूछा जाता है, ठीक। तो इसलिए मैंने ये म्यांमार का रखा, क्योंकि आपको ये याद होना चाहिए कि म्यांमार से कौन कौन सी, इवन इवन आपको ये पढ़ाया जरूर गया होगा कि ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय जिसे हम लोग कहते हैं हिमाद्री, या जिसे हम लोग कहते हैं इनर हिमालय, इस ग्रेटर हिमालय की एक ब्रांच आगे बढ़ते हुए जब साउथवर्ड टिल्ट होती है, तो वह म्यांमार में आप उसे अराकन योमा नाम से जानते हो, अराकन योमा, अराकन योमा के नाम से आप जानते हो, ठीक। ये याद रखो, पूछा जाता है अराकन योमा, अराकन अराकन योमा, ठीक, याद रखना, भूलना मत, पूछा जाता है। उत्तराखंड में नैनीताल जिले में हिमालय के शिवालिक रेंज में पाए जाने वाले वृक्षों की 210 से उचित प्रजातियों के संरक्षण के लिए शिवालिक शिवालिक अर्बोरिटम नाम का एक वनस्पति उद्यान उद्घाटन किया गया। इसका नाम है शिवालिक अर्बोरिटम, उत्तराखंड में नैनीताल में। शिवालिक अर्बोरिटम कहाँ पर खोला गया? ये जो वनस्पति उद्यान है, शिवालिक अर्बोरिटम शिवालिक रेंज में नैनीताल में खोला गया। ध्यान रखना, मैंने आपको बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत जब कंजर्वेशन बताया होगा, तो मैंने आपसे बोला होगा कंजर्वेशन दो तरीके का होता है, एक होता है इनसीटू, एक होता है एक्ससीटू। एक्ससीटू, इनसीटू मतलब इनसीटू, और एक्ससीटू का मतलब अगर मैं मोटे तौर पे बोलूं, तो मैं बोलूं कि अगर मुझे कोरोना हो गया, एग्जाम्पल गंदा है, लेना नहीं चाह रहा, लेकिन अब निकल गया मुंह से तो शब्द छूट गए तो हम निकलेंगे। अगर आपको कोरोना हुआ, तो एक तो है इनसीटू इंसुलेशन, जिसमें आपसे आइसोलेशन, जिसमें आपसे कहा जाता है कि बेटा अगर कोरोना के लक्षण दिख रहे हैं घर में आइसोलेट हो जाओ, ये इनसीटू है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए एक्ससीटू कि ठीक है, अब घर में तुम सही नहीं हो पाए हो, अगले 5 दिन में फीवर है, अब हम तुमको अस्पताल लेके चल रहे हैं, वहां पे तुम्हें हम सुरक्षित करेंगे, वहां पे तुम्हारा सुरक्षा प्रोटेक्शन दिया जाएगा, तुमको आराम से दवा वा देंगे, यहां से हो गया होगा, इसे कहते हैं एक्ससीटू। और सिंपल लैंग्वेज में अगर अब मैं डिफाइन करूँ, तो मैं बोलूंगा कि अगर किन्हीं प्रजातियों बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना, सुरक्षित करना है, तो दो तरह की कंजर्वेशन है, एक को कहते हैं इनसीटू कंजर्वेशन, एक को कहते हैं एक्ससीटू कंजर्वेशन। इनसीटू का मतलब जहां पे जो प्रजाति है वहीं पे उसको कंजर्व कर दो, तो उसे कहते हैं इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन, नेशनल पार्क बना दिया वहीं पे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दी, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व बना दिया, इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन कर दिया। एक्सीटू का मतलब अगर वह उस स्थान पर नहीं कंजर्व हो पाता है और उसकी लगातार डेटरेशन हो रहा है, लगातार वो मर रहा, खत्म हो रहा है, उसकी उसकी संख्या लगातार घट रही है, वो कंडीशन आ चुकी है सरकार के पास में कि अब इसको किसी और स्थान पर ले जाकर कृत्रिम रूप से सहारा देना पड़ेगा, तब इसको कंजर्व कर पाएंगे, जिसे कहते हैं एक्सीटू कंजर्वेशन। फॉर एग्जाम्पल, भविष्य के लिए वैज्ञानिकों के द्वारा सीड कंजर्वेशन किया गया, इसलिए सीड बैंक बनाए गए, इसे कहते हैं एक्सीटू कंजर्वेशन। क्रायोजेनिक रूप से सीडों को कंजर्व कर लिया गया है कि भविष्य में अगर मान लो खाद्यान्न खत्म हो गया, तो इन क्रायोजेनिक सोल्यूशन में डूबे सीड को निकाला जाएगा और इनको फिर मिट्टी में गाड़ दिया जाएगा, फिर से उगने लगेंगी चीजें, जिसे कहते हैं एक्सीटू कंजर्वेशन। और एक्सीटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है वनस्पति उद्यान, ये किसका एग्जाम्पल है? एक्सीटू कंजर्वेशन हो रहा है, क्योंकि इसको भी किसी स्थान पे कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियली जनरेट किया गया है, अपने आप से थोड़ी ना आया, आर्टिफिशियली बनाया गया है। ये तो लिखा है कि उत्तराखंड के नैनीताल जिले में हिमालय के शिवालिक रेंज में पाए जाने वाले वृक्षों की 210 से अधिक प्रजातियों के संरक्षण के लिए शिवालिक अर्बोरिटम नाम का इस प्रकार के पहले वनस्पति उद्यान का उद्घाटन किया गया, ये बना लिया गया, ठीक। तो ये शिवालिक क्या है? तो याद रखो, शिवालिक को हम लोग कहते हैं, सबसे ऊपर है ग्रेटर हिमालय, उसके बाद है मिडिल हिमालय, उसके बाद है शिवालिक हिमालय, ठीक। शिवालिक हिमालय का अरुणाचल प्रदेश में जो एक्सटेंशन है उसे आप डाफला मीरी अबोर मिशमी नाम से जानते हो, डफला मीरी अबोर मिशमी नाम से जानते हो शिवालिक का एक्सटेंशन अरुणाचल प्रदेश में, ठीक। याद रखना, शिवालिक को हम लोग आउटर हिमालय भी कह रहे होते हैं, ठीक। ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया? ये
जिसके द्वारा ई कैबिनेट, इंटरनेट कैबिनेट मतलब वर्चुअल कैबिनेट, जिसके द्वारा इंटरनेट के थ्रू कैबिनेट को स्थापित किया गया। तो इस ई कैबिनेट विधानसभा या फिर हिमाचल प्रदेश ने ई विधानसभा के बाद ई कैबिनेट लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया, स्टेट बन गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शुक्रवार को ही कैबिनेट मीटिंग में ऐसा सा बोला गया। तो भारत देश में ई कैबिनेट वर्चुअल रूप में कैबिनेट को चलाया जा रहा है। इस ई कैबिनेट को स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया, तो आप बोलेंगे हिमाचल प्रदेश है। जबकि वह राज्य जिसके द्वारा पहली बार पेपरलेस बजट लेकर आएगा उसका नाम है उत्तर प्रदेश, यूपी। और अगर मैं बोलूं भारत की बात करूं तो भारत भी इस बार अपना पहला बजट पेपरलेस बजट है, इसका मतलब डिजिटल बजट लेकर आया, ठीक, याद रखना भूलना नहीं। ये वह गांव है, इसका नाम है खोनोमा। खोनोमा गांव एशिया का पहला, इसे कह रहे हैं एशिया का पहला ग्रीन विलेज है ये, नागालैंड में एशिया का पहला ग्रीन विलेज। और नागालैंड का नाम आते ही आपको जुकू वैली याद आनी चाहिए, जुकू वैली जो कि नागालैंड और मणिपुर की सीमा पे है। जुकू वैली ये खोनोमा गांव भी नागालैंड में है, जहां पे अंगामी पीपल आदिवासियों का घर भी है। अभी भी मैंने आपको पहले अंगामी बताया, फिर मैं आपको अंगामी बता रहा हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अंगामी ट्राइब कहाँ पर रहती है, नागालैंड में रहती है। खोनोमा विलेज की विशेषता क्या है, ये खोनोमा विलेज एशिया का पहला ग्रीन विलेज है, ठीक, याद रखना भूल मत जाना। ये अंगामी लोगों की विशेषता है, ये मार्शल आर्ट्स कौशल के लिए जाना जाता है, मार्शल आर्ट कौशल के लिए जाना जाता है ये अंगामी, याद रखो। थांगटा, मैंने जब नागालैंड के साथ मणिपुर का नाम लिया ही है तो आपको थांगटा मार्शल आर्ट फॉर्म जरूर याद होनी चाहिए। ये थांगटा मार्शल आर्ट फॉर्म, ये मार्शल आर्ट फॉर्म मणिपुर की मार्शल आर्ट फॉर्म है, याद रखना थांगटा मणिपुर की मार्शल आर्ट फॉर्म है। अभी यहीं जाके आगे करंट में पढ़ रहे होगे आप, कलरियो पट्टू पढ़ रहा होगा अभी थोड़ी देर में आगे, मार्शल आर्ट फॉर्म वो भी है। तो अंगामी लोग कहाँ के हैं, नागालैंड के हैं। और एशिया का पहला ग्रीन विलेज कहाँ पर है, नागालैंड में, इसका नाम है खोनोमा, ठीक। पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी की शुरुआत कहाँ पर की गई, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में भारत की पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी की शुरुआत करी गई। तो ये हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी की शुरुआत बांधवगढ़ में की गई है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। ये बताओ मुझे हाउ मेनी टाइगर रिजर्व इंडिया में, भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं। मैं ऑप्शन दूंगा, ए ऑप्शन 50, बी ऑप्शन 51, सी ऑप्शन 52, डी ऑप्शन 53। आंसर बताओ, ए ऑप्शन 50, बी ऑप्शन 51, सी ऑप्शन 52, अरे 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 सी ऑप्शन 52, डी ऑप्शन 53। बताओ कितने टाइगर रिजर्व हैं, आंसर करो। वेरी गुड सपना ठाकुर, खोनम का मतलब है कोई पेड़ ना खोना, बहुत अच्छा, वेरी गुड, ये आपकी ट्रिक है, अच्छा लगा मुझे। सरला दीक्षित ने कहा 51, सपना ठाकुर 51, रवि सिंह 51, सुरेश गुप्ता 52, बेटा अच्छा 51, ओके 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 51, अनिश यादव 53, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अच्छा निरंकार कश्यप आप इसका मतलब लेट आए हो तभी 53 आंसर निकल रहा है, वरना निकलना नहीं चाहिए। दीपक यादव, ऐसी गलती दोबारा ना की जाए, आज हुई कोई बात नहीं। पीके 30973, ऐसी गलती दोबारा ना हो। कविता सेन, दोबारा नहीं होनी चाहिए। पीके 30353353, अरे मेरे लाल, 51 संख्या है, 51, ठीक 51 याद रखो 51। अभी मैंने आपको 51वें नंबर का तमिलनाडु में नाम भी बताया, तमिलनाडु में मैंने आपको नाम भी बताया अभी 51वें नंबर का, 51 51 51, ठीक आगे चल रहे हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में जो और अन्य टाइगर रिजर्व है, जिसमें पेंच दिख रहा है, काना दिख रहा है, पन्ना दिख रहा है ना, पेंच काना पन्ना टाइगर रिजर्व भी मध्य प्रदेश में है, ठीक, पेंच काना और पन्ना, पेंच काना पन्ना। पॉलिनेटर पार्क कहां पर भारत का पहला खोला गया, तो ये भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क है नैनीताल शहर में, नैनीताल जिले में खोला गया है पहला पॉलिनेटर पार्क, पेंच पॉलिनेटर पार्क। इनका नाम है मानसी वाराणसी, मानसा वाराणसी। ये वीएलसीसी के द्वारा जो फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 हुआ उसकी विजेता है तेलंगाना की मानसा वाराणसी। ये जो मानसा वाराणसी है ये अब जो आगे होने वाली प्रतियोगिता है 2021 में मिस वर्ल्ड होगी प्रतियोगिता, उसमें ये पार्टिसिपेट इंडिया की तरफ से करेंगे। इनका नाम है मानसा वाराणसी। इनको ताज पहनाया सुमन राव जी के द्वारा, सुमन रतन राव के द्वारा इनको ताज पहनाया गया। तो याद रखना मानसा वाराणसी ये तेलंगाना से बिलोंग करती हैं, जिन्हें फेमिनी मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 के चुना गया, ठीक, ये जाके मिस वर्ल्ड में पार्टिसिपेट करेंगी। ऑस्ट्रेलिया की पहली मतलब ऑस्ट्रेलिया की ये महिला है जिनको, जो कि पहली महिला थर्ड अंपायर के रूप में बनी है। तो ऑस्ट्रेलिया की क्लियर पोलास्क ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे टेस्ट में चौथे अंपायर भूमिका निभाकर पुरुषों के टेस्ट मैच में अंपायर बनने वाली पहली महिला अधिकारी हैं। मैच पुरुषों का हो रहा था
इसमें पहली महिला अंपायर बनी है, इनका नाम है क्लियर पोलास्क। कहाँ से बिलोंग करती हैं? ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं क्लियर पोलास्क। वेयर इज द इंडियाज लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम बींग बिल्ट? तो भारत का सबसे बड़ा, इंडिया का लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम कहाँ पे बिल्ड हो रहा है, बिल्ट कहाँ पर हो रहा है? तो फरवरी 2021 में उड़ीसा चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी के द्वारा ही लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम इन राउरकेला। ठीक, राउरकेला में उन्होंने ये स्टेडियम को बनाने की बात की है। ये देखो स्टेडियम आपको दिखाई दे रहा है राउरकेला में, तो आंसर है राउरकेला। ठीक, राउरकेला ऑप्शन डी। राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा, तो इंडिया फर्स्ट 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा ये किताब है। इसका विमोचन इनॉग्रेशन किया गया है गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा, नई दिल्ली में इस बुक का इनॉग्रेशन किया गया। इसका नाम है राष्ट्र फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट या नेशन फर्स्ट 82 ईयर्स ऑफ स्वर्णिम गाथा। पुस्तक 1939 में सीआरपीएफ के उत्थान के लिए ये बात, मतलब इसके सीआरपीएफ पे आधारित ये बुक है। जैसे ही सीआरपीएफ आया, मेरे ख्याल से आपके दिमाग में रक्षिता एम्बुलेंस चली होगी। जैसे ही सीआरपीएफ चमका, आपके दिमाग में रक्षिता एम्बुलेंस चलने लगी होगी, रक्षिता एम्बुलेंस। ठीक, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, मैं चीजों को लिंक करने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे महंगे बिकने वाले आईपीएल खिलाड़ी का नाम, इनका नाम है क्रिस मॉरिस, साउथ अफ्रीका के हैं, तो क्रिस मॉरिस। जबकि जबकि अनकैप्ड खिलाड़ी, जिसको जिसने कोई भी एक अंतर्राष्ट्रीय खेल नहीं खेला लेकिन उसके बाद भी महंगा बिक गया, उसका नाम है कृष्णप्पा गौतम। ये कृष्णप्पा गौतम जी हैं, ये अनकैप्ड प्लेयर हैं। जबकि कैप्ड प्लेयर में सबसे महंगे बिके हैं, इनका नाम है क्रिस मॉरिस। ठीक, कितने पैसे में बिके नहीं पूछा जाता। चार गेमों को शामिल किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स अनाउंस दैट हरियाणा इज गोइंग टू होस्ट द फोर्थ एडिशन ऑफ खेलो इंडिया गेम्स। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम बताया कर्नाटक में, अब है खेलो इंडिया गेम्स, इसका चौथा जो एडिशन है ये होने वाला है हरियाणा में। इस खेलो मतलब इंडिया गेम्स के अंतर्गत चार नए खेल शामिल किए गए। कौन से चार नए खेल शामिल किए गए? एक का नाम है गटका, एक का नाम है कलारी पयट्टू, एक का नाम है थांगटा और एक का नाम है मलखम्बा। मलखम्बा मतलब खम्बे पे चढ़ के मल्ल करना, मतलब वही जो मल्ल का मतलब होता है डिशम्बो, मिट्टी वाला जो नहीं मल्ल होता है, कुश्ती वुस्ती टाइप की, वो खम्बे पे चढ़ के हो रही है, कुछ करतब दिखाएंगे अपने सब लोग, उसे मल्लखम्बा कहते हैं। तो ये जो चार खेल है गटका, ये कहाँ का है? तो ये पंजाब का हो गया। कलारी पट्टू कहाँ का है? तो केरल की मार्शल आर्ट फॉर्म है। थांगटा कहाँ का है? मणिपुर की मार्शल आर्ट फॉर्म है। मल्लखम्बा कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। तो ये कई बार पूछ लिया जाता है, जैसे कलारी पट्टू की उत्पत्ति केरल से हुई, ये दिख रहा है आपको कलारी पट्टू। ठीक, मल्लखम्बा का आयोजन मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ये देखो मल्लखम्बा, ये ना मल्ल पे चढ़ रहे हैं, खंबे पे चढ़ रहे हैं, मल्ल कर रहे हैं। गटका पंजाब का, ये देखो पंजाब का है। जबकि थांगटा ये मणिपुर की मार्शल आर्ट फॉर्म, ये दिख रही है आपको थांगटा, ठीक, तलवार लेके लड़ रहे हैं। वैसे तो आपसे पूछ ले, स्टेटमेंट लिख दे कि थांगटा इज काइंड ऑफ मार्शल आर्ट फॉर्म वेयर मतलब वेयर शॉर्ट मतलब तलवार का प्रयोग नहीं किया जाता। जहां पे तलवार, मार्शल आर्ट फॉर्म भले ही है लेकिन यहाँ पे तलवार का प्रयोग नहीं किया जाता। अगर आपने नई डायग्राम देखा होगा तो आप नहीं पकड़ पाओगे, सकता आप सोचो हाँ आईएएस का पेपर है, ऐसा तो हो सकता, तभी कह रहा है वरना क्यों कहेगा, मारा होगा खींच के, है ना? या ये मल्लखम्ब में हो सकता, कुछ बातें कर सकता हूँ, ये मल्लखम्ब में युद्ध नहीं हो रहा है, मल्लखम्ब में ये अपने खम्बे पे अपने कर्तव्य को दिखा रहे हैं, इसे मल्लखम्ब कहा गया। जबकि गटका में पंजाब वाला एक गेम है जो कि निहंग सिख के योद्धाओं के द्वारा कराया जाता है। इसका एक तो ये कि अपने निहंग सिख जो होते हैं वो पारंपरिक युद्ध शैली को दिखाते हुए इसको प्रदर्शित करते हैं, जबकि दूसरा ये कि आत्मरक्षा के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसका नाम है गटका, ठीक, याद रखना। चार नए गेम शामिल किए गए, इनका इंपॉर्टेंट है। ये जो मैडम आपको दिखाई दे रही, इनका नाम है ओकोंजो इविला, इनको नागोजी ओकोंजो इविला, इनको WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का अगला महानिदेशक चीफ सेक्रेटरी नियुक्त कर दिया गया है, सॉरी महानिदेशक के रूप में, दिमाग में मेरे कुछ और चल गया, तो इनको महानिदेशक के रूप में, महानिदेशक के रूप में चुना गया। इनका नाम है ओकोंजो इविला, इनका नाम है, पूरा नाम है नगोजी ओकोंजो इविला, नाइजीरिया से बिलोंग करती हैं। ठीक है, नाइजीरिया से बिलोंग करती हैं। ये विश्व के व्यापार संगठन की अगली महानिदेशक के रूप में चुना गया इनको। WTO के बारे में याद रखो, ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है यह यूनाइटेड नेशंस का स्पेशल एजेंसी नहीं है, ठीक है, याद रखना। स्पेशल एजेंसी के अंतर्गत WTO के, WTO यूनाइटेड नेशंस की स्पेशल एजेंसी के अंतर्गत नहीं आती, याद रखना, इसको भूलना मत। कई बार प्रश्न पूछा गया है, ठीक, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने प्रयागराज मंडल से हूँ। अनीता शर्मा जी, ये करंट अफेयर की पहली क्लास है, जनवरी फरवरी 2021 का करंट अफेयर है, इवन मार्च भी मैंने शामिल कराया इसमें। इससे पहले बजट की क्लास हुई है, वो जो पढ़ी होगी पिछली क्लास, बजट की हुई होगी, वो भी करंट अफेयर ही है, बजट भी करंट अफेयर।
तो ओकोंजो नगोजी ओकोंजो इबिला WTO का जो चीफ डायरेक्टर है, महानिदेशक है, तो ये चीफ डायरेक्टर का नाम क्या है? नो ओकोंजो इबिला, ठीक, नगोजी ओकोंजो इबिला। कैसे याद रखो कि नगोजी कहाँ की है? तो नगोजी में भी ना है और नाइजीरिया में भी ना है। तो नगोजी है कहाँ की? नगोजी नाइजीरिया की है। नगोजी ओकोंजो इबिला कहाँ की है? नाइजीरिया की, ठीक, नगोजी ओकोंजो इबिला नाइजीरिया की है। WTO की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनने वाली है ये, ध्यान रखना। ये जो WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, यह है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का, संयुक्त राष्ट्र महासंघ का स्पेशल एजेंसी नहीं है, ठीक है, नहीं है, ठीक, याद रखना नहीं है। ये देख रहे हैं आपको लिगिया नोरोना, हस्ती हुई लिगिया नोरोना, ये एंटोनियो गुटेरेस जो कि संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख हैं, इनके द्वारा ये भारत की प्रमुख, भारतीय प्रमुख अर्थशास्त्री लिगिया नोरोना को UNEP, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के न्यूयॉर्क कार्यालय के सहायक महासचिव और प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। तो UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? इसकी शुरुआत 1972 में हुई। काहे शुरुआत कर दी गई भाई? स्टॉकहोम में एक कॉन्फ्रेंस हुई, स्टॉकहोम में कॉन्फ्रेंस हुई, इस कॉन्फ्रेंस को भी 1972 में ही किया गया था। इसके बाद ही UNEP, विश्व में जितने भी कार्यक्रम चल सकते, प्रोग्राम हो सकते हैं जो कि जिनका संबंध एनवायरनमेंट से हो, इसको मेंटेन करने के लिए यूनाइटेड नेशंस के स्पेशल एजेंसीज के अंतर्गत UNEP को 1972 में एस्टेब्लिश किया गया। इस UNEP के जो न्यूयॉर्क में जो इसका कार्यालय, इसका हेड, इसका क्वार्ट, मतलब इसका कार्यालय है, यहाँ पर इसकी हेड बनाई गई, इनका नाम है लिगिया नोरन्हा, ठीक, लिगिया नोरन्हा, ठीक, भूलना मत, याद रखना। जबकि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का जो मुख्यालय, हेडक्वार्टर है, यह नैरोबी केन्या में है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना 5 जून 1972 को ही, और 5 जून को ही हम लोग वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाते हैं, ठीक, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हम लोग कब मनाते हैं? 5 जून को ही मनाते हैं, तो याद रखना, इसको भूलना मत, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट है? क्योंकि लक्षद्वीप, ये पहला यूटी है जिसको 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया, मतलब 100% ऑर्गेनिक स्टेट, ऑर्गेनिक यूटी हो गया। जैसे सिक्किम भारत का पहला स्टेट है जो कि 100% ऑर्गेनिक स्टेट कहलाएगा, वैसे ही लक्षद्वीप पहला यूटी है जो कि 100% ऑर्गेनिक सेंटर है, मतलब जैविक केंद्र है, 100% सब कुछ यहाँ पे जैविक रूप से किया जाएगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग होगी, मतलब आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स का प्रयोग नहीं किया जा रहा होगा। सिक्किम के बाद दूसरा भारत का ऐसा स्थान है जिसे पूरी तरह से जैविक घोषित कर दिया गया। जो भारत का पहला राज्य, कौन सा था? सिक्किम था। पहला यूटी कौन सा है? लक्षद्वीप है। दूसरे स्थान पे कौन सा जैसे ऑर्गेनिक कर दिया उसका नाम लक्षद्वीप है, ठीक है, ऐसे याद रखना, इसको भूलना मत। काजा कलास कौन है? काजा कलास मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए हो सकता है, काजा कलास इसलिए, काजा कलास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हें एस्टोनिया, एस्टोनिया की, इन्हें एस्टोनिया की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, ध्यान रखना। ये एस्टोनिया पहला ऐसा देश है जहाँ की प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दोनों ही महिलाएं हैं, प्राइम मिनिस्टर भी महिला है और प्रेसिडेंट भी महिला है, ठीक है, ये ऐसा देश है, दुनिया का पहला ऐसा देश है जहाँ की प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दोनों ही महिलाएं हैं। प्राइम मिनिस्टर का नाम है काजा कलास, रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुआ इनका, जबकि राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट का नाम है केस्ट्री कालजुलैद, ध्यान रखना। ये जो एस्टोनिया है इसे हम लोग बाल्टिक स्टेट भी कहते हैं, ये बाल्टिक स्टेट के अंतर्गत आता है, बाल्टिक स्टेट। बाल्टिक स्टेट में कौन से 3 देश आते हैं? लेटविया, एस्टोनिया और तीसरा आप बताओ, लेटविया, एस्टोनिया और तीसरा क्या है? लिथुआनिया है या इथियोपिया है? ये मुझे कंफ्यूजन है, आप मेरे इस कंफ्यूजन को दूर करोगे कि बाल्टिक स्टेट में जो तीसरा स्टेट है, एक तो लेटविया हो गया, एक एस्टोनिया हो गया, तीसरा कौन है, लिथुआनिया है या फिर इथियोपिया है? ये आपको मुझे बताना है, मुझे खुद नहीं आता। श्वेता अग्रवाल जी ने बताया, विवेक कुमार जी ने बताया, सरला रशीद जी ने बताया, सीमा यादव जी ने बताया, रवि राज ने बताया, अनुज सिंह ने बताया, आदित्य चौधरी ने बताया, आदित्य चौधरी जी मुझे नहीं पता, रवि सिंह ने बताया, मधुसूदन श्रीवास्तव ने बताया, निखिल त्रिवेदी ने बताया, लालमणि कुमार ने बताया, सूर्यकांत वर्मा ने बताया, दीक्षा गुप्ता ने बताया, प्रमोद मौर्या, सुनील रे, सोनम वर्मा, नगमी रिजवान,
स्टडी विद चौहान सर, इन्होंने बताया है। पृथ्वी गुप्ता, अनीता, कोई तो गलत बता दो एक बार। सुमित प्रजापति, कोई गलत नहीं बताना चाहता है। ई कष्ट है, कोई गलत नहीं बताना हमको, ठीक है? क्योंकि इथियोपिया तो हम थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं, सीड में। सीड में हम लोगों ने इथियोपिया पढ़ा था, जिसे हम लोग हॉर्न ऑफ अफ्रीका में पढ़ रहे थे इथियोपिया। और मैंने आपसे बोला भी, जब भी इथियोपिया पढ़ोगे तो आपको इथियोपिया पढ़ते समय जलालुद्दीन याकूत याद आना चाहिए, जिसे अमीर याकूर कहते हैं। मैं कहानी सुनाता हूँ जानबूझ के, क्योंकि कई देर से करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो मन भर गया होगा, तो मन को थोड़ा खाली कर दिया जाए, इसलिए मन को खाली करने के लिए कहानी सुन लो। ऐसा कहा जाता है कि सल्तनत काल के दौरान जब गुलाम वंश में, जिसे आप लोग पढ़ते हो स्लेव डायनेस्टी, इसके अंतर्गत जब कुतुबुद्दीन ऐबक सत्ता पे बैठा, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद कुतुबुद्दीन के बेटे के द्वारा 8 महीने का शासन किया गया, लेकिन उसकी मृत्यु इल्तुतमिश के द्वारा उसको मार दिया गया। और जब इल्तुतमिश सत्ता पे बैठा, तो इल्तुतमिश के द्वारा एक संस्था का निर्माण किया गया, जिसका नाम था तुर्कान ए चहलगान। तुर्कान ए चहलगान, ठीक है? तुर्कान ए चहलगान, या तो तुर्कान ए कर दो या तुर्कान ए कह दो, एक ही बात है, तुर्कान ए चहलगान। इस तुर्कान ए चहलगान में टोटल 40 लोग हुआ करते थे, जिनका संबंध, क्योंकि तुर्की से था, तुर्की से संबंधित थे, इसलिए इनको तुर्कान ए चहलगान कह दिया गया। ये नोबल क्लास जो 40 लोगों की थी, जिसे तुर्कान ए चहलगान कहा गया, यह इल्तुतमिश के लिए एक तरीके से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कह सकते हो आप, मंत्रिपरिषद की तरह कार्य करती थी। और ये इल्तुतमिश को सलाह मशवरा देती थी। इन्हें कहा जाता है ये पेन पुशर है। ये तुर्काने चलगाने के लोग, पेन पुशर का मतलब एक ऐसे लोग हैं जो कलम की ताकत के आगे तलवार की ताकत को 0 कर देते हैं। इनकी कलम में इतनी ताकत है, पेन पुशर कहा गया इन लोगों को। इल्तुतमिश जब मरने लगे, तो इनके द्वारा अपनी बिटिया को सत्ता पर बैठाने का प्रयास किया गया। और जब बिटिया सत्ता पर बैठाने का प्रयास इल्तुतमिश के द्वारा किया जा रहा है, उस दौरान तुर्कान ए चहलगानी इस 40 नोबल लोगों के द्वारा लड़की को, एक महिला को सल्तनत काल की सत्ता दे दी जाए, इसका विरोध प्रकट किया गया। लेकिन इल्तुतमिश के द्वारा फाइनली रजिया सुल्तान सत्ता पे बैठ गई। ये बात अलग है, कोई पहले और बैठा उसको जनता ने उठा के फेंक दिया। जनता ने उठा के इसलिए फेंका क्योंकि बहुत ज्यादा लालची थे उनकी, उनकी मम्मी बहुत ज्यादा लालची थी, उनको जनता ने उठा के फेंक दिया। जब कभी मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे तो जरूर ऐसी बातें कर रहे होंगे। लेकिन रजिया सुल्तान जब सत्ता पे बैठी, तो रजिया के बारे में कहा जाता है कि शी हैड ऑल द कैपेबिलिटीज, उसके पास सभी प्रकार की कैपेबिलिटीज थी, उसकी अकेली एक फॉल्ट थी। हर ओनली हर उसकी अकेली एक ऐसी फॉल्ट थी, वो अकेली फॉल्ट क्या थी कि हर बींग अ वूमन, कि वह एक महिला थी, वह एक महिला थी, यह उसकी अकेली एक फॉल्ट थी, गलती थी, वरना उसमें हर तरह की कैपेबिलिटी थी। मिन्हाज उस सिराज के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया कि शी हैज ऑल द कैपेबिलिटीज, हर ओनली फॉल्ट वॉज हर बींग अ वूमन, उसकी अकेली एक फॉल्ट थी कि वह एक महिला है। यह सर मतलब मिन्हाज उस सिराज के द्वारा कथन कहा गया। इस क्रम में कहा जाता है कि जब रजिया सल्तनत काल की सत्ता पर बैठी और पहली महिला सुल्तान बन गई, तो इसके विरोध में तुर्काने चहलगानी ने बहुत बवाल किया। तुर्काने चहलगानी ने इतना बवाल किया कि उसके द्वारा कई राज्यों को जो सल्तनत काल के अधीन थे, उनको भड़का दिया गया कि इस महिला का विरोध करो। इस क्रम में भटिंडा के गवर्नर, जिसका नाम है अल्तुनिया, इसके द्वारा रजिया का विरोध किया गया। कहानी यहां भी चलती है कि रजिया को, अल्तुनिया को बचपन से रजिया से प्यार था, लेकिन रजिया ने अपने सल्तनत, मतलब अब सल्तनत की सत्ता हासिल करते ही, रजिया के द्वारा अल्तुनिया पे ध्यान नहीं दिया गया। अल्तुनिया मतलब वन साइडेड प्यार में पड़े हुए, अल्तुनिया पे ध्यान नहीं दिया गया। और अमीर ए आखुर, मतलब अमीर ए आखुर अस्तबल, जिसे हम लोग कहते हैं ना, जो घोड़ों का अस्तबल होता है, आखुर मतलब खुर का मतलब पैर होते हैं घोड़े के, अमीर ए आखुर का पद इथियोपिया के एक व्यक्ति, इसका नाम है जलालुद्दीन याकूत, जलालुद्दीन याकूत को दे दिया गया। अल्तुनिया गुस्सा हो गए, बोले बताइए आशिक हम, और पद दे रहे हो जलालुद्दीन याकूत को, दे रहे हो अमीरुल उमरा का पद, दे रहे हो जलालुद्दीन याकूत को। तो अल्तुनिया विद्रोह कर रहा है, रजिया ने जलालुद्दीन याकूत के साथ मिलकर अल्तुनिया पे चढ़ाई कर दी। बठिंडा पहुंचने वाली है, अल्तुनिया ने सबसे पहले अपने सामने वाले जो अपोजिट पार्टनर है जलालुद्दीन याकूत को चाकू भोंका, मार डाला, पहले बीच में मरवा दिया। इसके बाद रजिया से तो प्रेम करता है, रजिया को नहीं मारेगा, रजिया को कैद कर लेगा। रजिया को कैद करेगा तो जेल में रजिया को रखेगा, यहाँ पे उनको शाही खाना, शाही पूजा का सामान, शाही स्नान, हर चीज शाही देगा। रजिया खुश हो जाएंगी, रजिया की महत्वाकांक्षा कह लो, या रजिया खुश हो गई हैं, रजिया अल्तुनिया से विवाह कर लेंगी, रजिया और अल्तुनिया की शादी हो जाएगी। और कहा जाएगा रजिया का जो ख्वाब है, पिता का जो उसके ख्वाब था, रजिया सल्तनत काल में सत्ता पे बैठेगी, रजिया सुल्तान बनेगी। रजिया एक बार फिर से सुल्तान बनने के लिए दिल्ली पहुंच रही होगी, रास्ते में कैथल हरियाणा में गुंडों के द्वारा रजिया को मार दिया जाएगा। जो आप कहानी सुनते हो रजिया फंसी गुंडों में, तो ये रजिया यहीं पे गुंडों में फंसी कैथल में,
जहां पे रजिया को भी मारा गया और अल्तुनिया को भी मार डाला गया। और मरवाने वाले कौन? मरवाने वाले लोगों में कहा जाता है कॉन्स्पिरेसी है तुर्कान ए चहलगानी के वही 40 लोग जिन्हें पेन पुशर कहा गया। ध्यान देना, इस तुर्कान ए चहलगानी में वही एक व्यक्ति जिसने पहले तो रजिया का साथ दिया लेकिन बाद में वह रजिया को मरवाने में कॉन्स्पिरेसी में शामिल माना गया, इसका नाम है गयासुद्दीन बलबन। याद रखना, बलबन जैसे ही सत्ता पर काबिज होगा सबसे पहले इसी संस्था को खाएगा, कहेगा भैया तुम्हारे अंदर रहते हुए हमने सुल्तान के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करी और बहुत ऑब्वियस सी बात है जब मैं सुल्तान बनूंगा तो मेरे खिलाफ भी तो कॉन्स्पिरेसी करोगे, तुमको पहले उड़ाएंगे। इसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि बताइए इनमें से किस सुल्तान के द्वारा तुर्कान चहलगानी को समाप्त कर दिया गया? गयासुद्दीन बलबन के द्वारा। किसने बनाई थी? इल्तुतमिश ने बनाई थी। रजिया ने अमीर आखुर का पद किसे दिया? जलालुद्दीन याकूत को दिया। कहाँ का था ये? इथियोपिया का था। ठीक, ध्यान रखना, ये मैं कहानी सुनाने का सिर्फ कारण इतना है कि आप थोड़ा सा चीजों को जोड़ पाओ और करंट अफेयर की तरफ थोड़ा बढ़ो, मजा आया आपको, इसलिए मैं कहानी सुना रहा हूँ, कोई कारण नहीं है। ठीक, आगे चल रहे हैं, चले आगे। फ्रांस का पहला अंतरिक्ष सैन्य अभ्यास एस्टर 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 एक्स, ये एस्टर एक्स क्या है? ये फ्रांस का पहला अंतरिक्ष सैन्य अभ्यास है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में वैश्विक शक्तियों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा के चलते फ्रांस के द्वारा अपने उपग्रहों की रक्षा क्षमता का परीक्षण करने के लिए पहला अंतरिक्ष सैन्य अभ्यास शुरू किया गया, इंड स्पेस एक्स। ये भारत का पहला सिमुलेटेड, मतलब बनावटी है, सिमुलेटेड अंतरिक्ष युद्ध अभ्यास है, जिसका नाम है इंड स्पेस एक्स। और मिशन शक्ति, यह एक सैटेलाइट रोधी या एंटी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण है भारत का, जिसका नाम है मिशन शक्ति। याद रखना, तीनों चीजें याद रखो, इंड स्पेस एक्स भारत का सिमुलेटेड है, जबकि एस्टर एक्स फ्रांस का ये पहला अंतरिक्ष सैन्य अभ्यास है, और मिशन शक्ति भारत की एंटी सैटेलाइट मिसाइल है। ठीक, याद रखना, पूछ लिया जाएगा। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में तमिलनाडु ने बड़ौदा को हरा दिया, और इस सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में तमिलनाडु ने जब बड़ौदा को हराया तो इसमें दिनेश कार्तिक तमिलनाडु के कप्तान थे। विश्व का पहला ऊर्जा द्वीप, जिसे हम लोग कहते हैं एनर्जी आइलैंड, ये कहाँ पर बनाया जाएगा? ये जो पहला ऊर्जा द्वीप है, यह डेनमार्क सरकार ने उत्तरी सागर में दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप के निर्माण के लिए एक परियोजना को मंजूरी देती है। तो डेनमार्क के द्वारा ये ऊर्जा आइलैंड बनाया जा रहा है, ऊर्जा आइलैंड डेनमार्क के द्वारा। बहुत बड़ा होगा, लगभग लगभग 1,20,000 स्क्वायर मीटर। 25 जनवरी 2021 को केंद्र सरकार के द्वारा पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई, पद्म प्राइज दिए गए। इन पद्म प्राइज के अंतर्गत क्या सही है क्या गलत नहीं है स्टेटमेंट लिखा गया, बताइए कौन से सही है। इस वर्ष राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 119 पद्म पुरस्कार दिए, जिसकी मंजूरी दे दी गई। इस वर्ष दो लोगों को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। और कौन से कथन सही है आपको बताने, थोड़ी देर में पता लगेगा। ध्यान रखना, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड अगर आपसे पूछा जाए तो भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है, उसके बाद पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्मश्री। ठीक, याद रखना इस चीज को, भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्मश्री। तो ये हम पद्म पुरस्कार देख रहे हैं, भारत रत्न तो नहीं देख रहे हैं, तो पद्म भूषण या पद्म पुरस्कार के अंतर्गत पद्म विभूषण कितने दिए गए, पद्म भूषण कितने दिए गए, पद्म श्री कितने दिए गए, इनकी चर्चा हम लोग करने वाले हैं। भारत के इस पद्म पुरस्कार के अंतर्गत 7 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण और 102 पद्म श्री पुरस्कार दिए गए। इस प्रकार से 102 और 10, 112 साथ 119, टोटल पुरस्कारों की संख्या 119 है। पहला स्टेटमेंट एकदम सही हो गया। याद रखना, 29 महिलाएं, 10 व्यक्ति जो कि विदेशी एनआरआई या पीओ के अंतर्गत आते हैं, 16 मरणोपरांत व्यक्ति हैं, एक ट्रांसजेंडर, इसका नाम है, जिनका नाम है मथाबी मंजमा जोगाती, इनको पुरस्कार विजेता में शामिल है। ओवरऑल बात करोगे तो 16 लोगों को मरणोपरांत दिया गया है, पोस्टुमसली दिया गया है 16 लोगों को। शिंजो अबे को जो कि लोक मामले के लिए जापान के, इन्हें पद्म विभूषण दिया गया। SP बालसुब्रमण्यम, इनको मरणोपरांत दिया गया है, इसका मतलब पद्म विभूषण में पहले व्यक्ति मिल गए आपको जिनको मरने के उपरांत ये पद्म विभूषण दिया गया, इनका नाम है SP बालसुब्रमण्यम। इनका एक गाना है, मुझे याद नहीं आ रहा। डॉक्टर बेले मुनप्पा हेगड़े, मेडिसिन के लिए कर्नाटक। नरेंद्र सिंह कपानी, इनको भी दिया गया है मरने के उपरांत, नरेंद्र सिंह कपानी, इसका मतलब दूसरे व्यक्ति हो गए जिन्हें जिन्हें मरने के उपरांत पद्म विभूषण दिया गया। बाकी आपको यहाँ पर कोई नहीं दिख रहा इसको मरने के उपरांत दिया गया, इसका मतलब पद्म विभूषण दो लोगों को मरने के बाद दिया गया, उनकी मृत्यु डेथ हो गई उसके बाद दिया गया। इसका मतलब स्टेटमेंट दो जो लिखा हुआ, पहला स्टेटमेंट लिखा 119 है, एकदम सही स्टेटमेंट लिखा है। दूसरा स्टेटमेंट लिखा है कि दो लोगों को दिया गया मरने के बाद, तो आपका यहाँ एकदम सही स्टेटमेंट है। तीसरा लिखा, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे को पद्म विभूषण दिया गया, तीसरा स्टेटमेंट एकदम सही है। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक, ध्यान रखना, ध्यान रखना, टोटल 119 पुरस्कार है, पद्म विभूषण की संख्या 7 है, पद्म भूषण 10 है, पद्मश्री 102 है, और इस पद्म विभूषण में दो लोगों को मरने के उपरांत पद्म विभूषण दिया गया। शिंजो अबे, जापान के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री भी इस पद्म विभूषण पुरस्कार में शामिल है। एक ट्रांसजेंडर को पुरस्कार दिया गया, उस ट्रांसजेंडर का नाम क्या है? मंजमा जोगती। ठीक, याद रखना, भूलना नहीं, पूछा जाता है।
भारत के अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन चुके हैं। ये करंट अफेयर थोड़ा पुराना मैंने रखा है, इसमें भाषा कुछ और लगी होगी, लेकिन बोबड़े साहब जी के बाद एनवी रमन जी, न्यायमूर्ति एनवी रमन जी को अगला सीजेआई 48वें नंबर का, 48th नंबर का सीजेआई बना दिया गया। 48th नंबर के सीजेआई हैं, इनका नाम है एनबी रमणा, याद रखना एनबी रमणा भारत के सीजेआई हैं अगले। ध्यान दो, जो सबसे ज्यादा वरिष्ठतम सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज होता है, सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज यही भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर बैठेगा, ठीक, और ऐसा मैंडेटरी हो गया थर्ड जज केस के बाद। याद रखना थर्ड जज केस के बाद यह मैंडेट कर दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज जो होगा उसको ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाएगा। ये बात अलग है कि इंदिरा गांधी के द्वारा कुछ दहशतें फैलाई गई जहां पर इस क्रम को तोड़ दिया गया, बाद में थर्ड जज केस के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने ये बाइंडिंग नेचर का बना दिया। ये बाइंडिंग है कि जो सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज होगा उसको ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाएगा, ठीक, याद रखना इस चीज को। इनका नाम क्या है? इनका नाम है एनवी रमन, 48 नंबर के सीजेआई हैं। जब भी भारत के राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है, जब भी भारत के राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है, किन दशाओं में खाली होता है भारत के राष्ट्रपति का पद? या तो भारत का राष्ट्रपति अपने इम्पीचमेंट में फंस जाए, या फिर वह रेजिग्नेशन दे दे, या फिर उसकी डेथ हो जाए, या फिर वह डिस्क्वालीफाई हो जाए। इन दशाओं में जब भारत के राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है, उन दशाओं में भारत के राष्ट्रपति के पद को सुशोभित करने के लिए उपराष्ट्रपति अवेलेबल रहता है। अगर उपराष्ट्रपति भी एट अ टाइम अवेलेबल नहीं है, उनकी भी डेथ हो गई या फिर रिजाइन कर चुके हैं या फिर उनको भी रिमूवल कर दिया गया, तो सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के राष्ट्रपति के पद को एज अ केयर टेकर प्रेसिडेंट फॉलो कर रहे होते हैं। अगर ये भी मर गए, ये भी नहीं अवेलेबल है, या ये भी उपस्थित नहीं है, तो जो सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज होता है वह भारत के राष्ट्रपति के पद को सुशोभित कर रहा होता। ध्यान देना, ये मुझसे मत कहने लगना सर ये भी मर गए तो कितनों को करोगे आप, कितनों को खत्म? एक साथ बम तो लगा नहीं दोगे? सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज तो एक खत्म होगा तो अगला सीनियर मोस्ट हो जाएगा, वो अगर गए तो अगले सीनियर मोस्ट हो जाएंगे, अगर उन्होंने रिजाइन दिया तो अगला सीनियर मोस्ट हो जाएगा। तो ऐसे 34 लोग हैं, कितने लोगों को खत्म करेंगे आप, है ना? तो ध्यान रखना एक शर्त यहाँ पे लगी रहती है कि अगर प्रेसिडेंट का पद खाली हो गया, वैकेंट है, किन कंडीशंस में, कि उनकी डेथ हो गई या उन्होंने डिस्क्वालिफिकेशन है या उन्होंने रिजाइन कर दिया या उनके ऊपर इम्पीचमेंट चल गया है, इन दशाओं में अगर भारत के प्रेसिडेंट का पद खाली हो जाता है तो अधिकतम 6 माह के लिए ही केयर टेकर प्रेसिडेंट अपॉइंट हो सकता है। 6 माह के अंदर इलेक्शन कमीशन को राष्ट्रपति के पद का चुनाव कराना होगा, चाहे कछु हो जाए, चाहे भूकंप आ जाए, कराना होगा, मैंडेट है एकदम। क्योंकि भारत के राष्ट्र जो अध्यक्ष है उसका पद खाली नहीं हो सकता किसी भी दशा में, उसे तो नया आना ही पड़ेगा, ठीक है? आगे चल रहे, आगे चल रहे, नूतलपति वेंकट रामना, वाह बात है, बहुत बढ़िया, कौन है ये सर? रहने दीजिए, श्वेता जी कह रही हैं। अच्छा, वो रहने दे रहे हैं। अब कितना पढ़ोगे, कितना पढ़ते चले जाओगे? आगे देख लें, थोड़ा और देख लें, चलते हैं थोड़ा और देख लें। इनका नाम देख लेते हैं, कौन है ये? एनवायरमेंटल एनफोर्समेंट अवार्ड, इनके अंतर्गत उड़ीसा की वन अधिकारी हैं, इनको एनवायरमेंटल एनफोर्समेंट अवार्ड दिया गया संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। एशिया पर्यावरण एनवायरमेंटल इन्फोर्समेंट, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल इन्फोर्समेंट अवार्ड दिया गया। इनका नाम है सस्मिता लंका, सस्मिता लंका, सस्मिता लंका, सस्मिता लंका, ठीक, याद रखना, भूलना मत, पूछा जाता है कई बार, ठीक है? इन्होंने पेंगोलिन की सुरक्षा करी उड़ीसा में, इसे इनको दिया गया। मैं देख रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्या है। हाँ, तो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, मेरे ख्याल से हो सकता दिखाई दे रहा हो, इतना तो बड़ा है, साफ अगर करोगे तो साफ दिखाई देगा, पूछा जाता है कई बार, पूछा पूछा क्वेश्चन है। जैसे यूपीएससी ने तो पूछ लिया है, लेकिन यूपीएससी ने सीडीएस में पूछा, प्रॉपर यूपीएससी ने में नहीं पूछा गया, मतलब आईएएस के एग्जाम में सीडीएस में पूछा गया, ये एनडीए में पूछ लिया गया कि ये बताओ रॉस आइलैंड क्या है और हैवलॉक मतलब स्वराज आइलैंड कौन सा है, सहदीप शहीद द्वीप कौन सा है। तो पहले तो आपको याद रखना है कि जो आपको अंडमान निकोबार दिखाई दे रहा है, 10 डिग्री चैनल जो है ये अंडमान को निकोबार से अलग करता है, अंडमान को निकोबार से अलग करने वाला 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल है, ठीक? हो सकता है आगे एक डायग्राम और साफ दिया हो, नहीं दिया क्या, बेइज्जती हो गई। लेकिन दूसरी चीज याद रखो, किसको बनाया गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, किसको बनाया गया स्वराज द्वीप और किसको बनाया गया शहीद द्वीप, ये आपको याद करना है। तो आपको ऐसे याद रखना है कि हैव स्वराज, हर किसी को तो स्वराज चाहिए होता है ना, हैव स्वराज, स्वराज चाहिए हर किसी को, तो हैव स्वराज, स्वराज हर किसी को चाहिए, तो ये जो हैवलॉक हैव स्वराज, हैवलॉक आइलैंड को स्वराज द्वीप बना दिया गया। इसके दक्षिण में कौन सा है? नील आइलैंड, इसे हम लोग शहीद द्वीप कहते हैं।
तो स्वराज पाने के लिए शहीद तो होना पड़ेगा, बिना शहीद हुए बिना शहादत के क्या स्वराज मिला? नहीं मिला, कई सारी शहादतें हुई उसके बाद स्वराज मिल पाया। तो इसका मतलब जो नील आइलैंड है इस मतलब स्वराज के नीचे कौन सा है? शहीद द्वीप है, ठीक। और शहीद द्वीप के नीचे कौन है, दक्षिण में कौन सा दिख रहा है आपको? सुभाष चंद्र बोस ही शहीद हुए, ये है बोस आइलैंड, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। तो उत्तर से दक्षिण सबसे ऊपर है स्वराज द्वीप, उसके बाद है शहीद द्वीप, और उसके बाद है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस और रोस सेम दिखाई देता है। अगर आपको यहाँ पे मतलब दिख रहा है रोस आइलैंड और बोस आइलैंड, बात तो एक ही दिख रही है ना, बोस और रोस मैच कर रहा है, राइम से कर रहा है, रोस बोस राइम कर रहा है। तो इसको याद नहीं करना है, इसको समझ विकसित करते हुए एक बार बस दिमाग में बैठा लेना है कि हैवलॉक हैव स्वराज, और स्वराज के लिए शहीद होना पड़ेगा, शहादत है, तो स्वराज के नीचे शहीद है, और उसके नीचे दक्षिण में स्वराज मतलब बोस आइलैंड, रोस आइलैंड का ही नाम बदल गया, बोस आइलैंड कर दिया गया, ठीक है, याद रखना, भूलना मत। यहाँ पर एक आपको इंटरव्यू आइलैंड चमक रहा होगा, इंटरव्यू आइलैंड, वही देखा इंटरव्यू आइलैंड, ये इंटरव्यू आइलैंड याद रखना, पूछ सकता है कि बताइए इंटरव्यू आइलैंड कहाँ पर है, अंडमान निकोबार में है, लक्षद्वीप में है, या फिर कहीं और दिख रहा है, तो इसको भूलना मत, ठीक। नारकोंडम आइलैंड देखो, देखो यार नारकोंडम आइलैंड दिख रहा होगा, देखो दिख रहा है नारकोंडम आइलैंड। बैरन आइलैंड एक्टिव वॉल्केनो, भारत में एक्टिव वॉल्केनो और बैरन आइलैंड, ये दिख रहा है बैरन आइलैंड, दिख रहा है, इन सब चीजों को याद रखो, पूछा जाता है बहुत ज्यादा। आगे चल रहे, वासुकी क्या है? वासुकी क्या है? वासुकी, वासुकी ये सबसे बड़ा कंटेनर रेलगाड़ी है छत्तीसगढ़ में, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के द्वारा, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के जोन के द्वारा लगभग 3.5 किलोमीटर की इकाई के रूप में मालगाड़ी के 5 रेक जोड़कर सबसे लंबी मालगाड़ी बना दी गई है। इसका नाम है वासुकी, वासुकी सांप की तरह बहुत लंबी, वासुकी वासु सांप ना, वासु सांप का। भिलाई और कोरबा के रेलवे स्टेशन के बीच में 224 किलोमीटर दूरी लगभग 7 घंटे तय करेगी। इसका नाम है वासुकी, वासुकी ठीक, वासुकी 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 वासुकी, ठीक है। तो हम लोगों ने कई सारा करंट अफेयर खत्म कर दिया है, चलो ये भी देख लो, जब आई गया तो देखने में क्या। देखो सबसे ज्यादा गोल दागने वाले व्यक्ति का नाम है, इनको आपको देख पा रहे होगे, इनका मेरे ख्याल से नाम बताने की आवश्यकता नहीं है, सबको इनका नाम पता है, कौन है ये व्यक्ति जरा मुझे कमेंट करो, क्योंकि इसमें मैंने नाम लिखा नहीं, इसका नाम क्या है, इनका नाम क्या है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ठीक, क्रिस्टियानो रोनाल्डो इनका नाम है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम याद रखना कि रोनाल्डो जी ये पहले नंबर पे आ गए हैं 760 गोल करके, जबकि सेकंड नंबर पे जिस व्यक्ति का नाम है उसका नाम है जोसेफ बिकान, ठीक, याद रखना, जोसेफ बिकान सेकंड नंबर पे है, पहले नंबर पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ठीक, याद रखना, भूला नहीं। अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में 46वें राष्ट्रपति बन गए कौन? जो बाइडन, जो बाइडन, जो बाइडन, जो बाइडन। और कमला हैरिस बन गई है 49 नंबर की वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, भारत की, अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति, इनका संबंध भारत से है। इसी साथ याद रखो कि जो बाइडन ये 78 साल की उम्र में राष्ट्रपति बनने वाले सबसे अधिक उम्र राष्ट्रपति हैं, और दूसरे रोमन कैथोलिक राष्ट्रपति हैं, सेकेंड नंबर के रोमन कैथोलिक हैं। जो पहले नंबर का रोमन कैथोलिक नाम था उनका नाम है जॉन एफ कैनेडी, मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति के पद पर जो पहला रोमन कैथोलिक प्रेसिडेंट बैठा उनका नाम था जॉन एफ कैनेडी, जबकि दूसरे हैं जो बाइडन, ठीक, याद रखना, भूलना नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कई बार, घूम जाएगा। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के जो चेयरमैन बना दिए गए उनका नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इससे पहले मोरारजी देसाई इस ट्रस्ट के अध्यक्ष के पद में सुशोभित हो रहे थे, मोरारजी देसाई, ठीक। बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो ये हम अगली क्लास में करंट अफेयर कवर कर लेंगे, जब अगला करेंगे अगले मंथ में जाएंगे, मतलब अगले सैटरडे को जब क्लास होगी तो ये जो बचा हुआ करंट अफेयर वो तब कवर कर लेंगे, ठीक। बाकी मैंने मैक्सिमम चीजें अभी कवर करा दी है, जनवरी फरवरी के अंतर्गत मैक्सिमम चीजें कवर करा दी है, जो बच गया है अभी तक इसको मैं, जैसे ये तापसी पन्नू वाला क्वेश्चन बच गया है इसको कवर करेंगे, जितना भी क्वेश्चन बच गया है वो सबको अब हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक, ज्यादा हो जाएगा, 1.5 घंटे से ऊपर ही क्लास हो चुकी है, अब आप झेल भी नहीं पाओगे, ये सारी चीजें कराएंगे, टेंशन नहीं लेना, ये जितनी भी स्लाइड है यहाँ से इशू करेंगे। इस व्यक्ति का नाम याद रखो जिनको पहला कोरोना वैक्सीन लगा, इनका नाम है मनीष कुमार, सबसे पहले कोरोना वैक्सीन इनको दिया गया, मनीष कुमार को, ठीक। विश्व हिंदी दिवस कब होता है, ये सब चीजें तभी तैयार करेंगे, बिल्कुल लोड नहीं लेना है, मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये पता रहे कि हाँ मैंने स्लाइड में रख रखा है और मुझे बस आपको पढ़ाना है ये, ठीक, सिर्फ मुझे आपको ये पढ़ाना है और कुछ नहीं करना, ठीक है, चलिए। तो थैंक यू सो मच, माय नेम इज प्रियांशु दुबे, आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल पे प्रियांशु दुबे 123 करके सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे ऐड हो सकते हैं, कुछ अगर आपको क्वेरी होगी तो आप वहाँ मुझसे पूछ सकते हैं टेलीग्राम पे, या फिर मेरा नंबर 6396743810, इस पर भी आप संपर्क कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल मत करना, व्हाट्सएप करना। टेलीग्राम प्रियांशु दुबे 123 पे अगर आप जाओगे ऐड होगे तो आपको वहाँ पे कई सारी चीज़ें मिल सकती हैं, उपलब्ध हो सकती हैं आराम से, पढ़ने में आपको सक्षमता आराम रहेगा, मैं वहाँ पर शेयर करता रहता हूँ कुछ ना कुछ पढ़ने के लिए, तो अगर आप पढ़ने के लिए ललायित हैं और पढ़ना चाहते हैं
तो वहाँ पे कई सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक, बाकी पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, घर से बाहर निकलिए मास्क का प्रयोग करिए, हैंड सैनिटाइजर का नहीं है तो घर से बाहर निकलने तो हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करिए, और नहीं निकलने तो हाथ धोने का प्रयास करिए कि हाथ धोएं, मास्क जरूर लगा के चलें, सुरक्षित खुद को भी रखें, लोगों को भी रखें, जो भी आसपास अगर निगेटिविटी जा रही है तो उसको कम करने का प्रयास करें, खुश रहने का प्रयास करें। लोगों ने अपने विल पावर की दम पे कई कोरोना से ग्रसित लोगों ने अपने जीवन को बचाया, जबकि उनके लंग्स बहुत ज़्यादा इन्फेक्ट हुए, उसके बाद भी बचा ले गए खुद को, क्योंकि विल पावर बहुत स्ट्रांग थी। तो अगर आप ये कर पाएँ तो आप भी ये करें, खुद को स्ट्रांग रखें, मजबूत रखें, पॉजिटिव रखें, अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ें, खुश रहें, हंसें, और लोगों को भी मोटिवेट करके रखें। कोरोना को हराने के लिए हम लोग